हे भगवान। माननीय सरकारी अधिकारी जी, बाला कृष्णा चल निकल यहाँ से। क्या कर रहे? आया बड़ा सिद्धांतों वाला। श्रीमान सीएमसी ऑफिसर, मैं हूँ मयूर गांव का एक गरीब रहिवासी, नाम है बाला कृष्णा। मालिक, आप हमारे इस गांव के माई बाप हैं और हम सब के लिए देवता। मेरे पिताजी ने सैलून बनाया था। उस समय वो जो शीशा, कंघा, कैची, कुर्सी, पंखा, लाइट, हर वो चीज जो इस्तेमाल करते थे, उन्हें आज भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी है। आज के दौर के हिसाब से नई कुर्सी, शीशा, सैलून में काम आने वाली सारी चीजें खरीदने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। ये आप हमें लोन के रूप में दे दीजिए, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। एक और खास बात, मैं रिश्वत लेने वालों के सख्त खिलाफ हूँ, उनका कभी साथ नहीं देता, इसलिए विनती है कि आप भी रिश्वत मत मांगिएगा। अगर आप मुझे कर्जा देंगे तो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको ब्याज मिलेगा। आप जो लोन मुझे देंगे वो समय के पहले ही ब्याज के साथ चुकाने का वादा करता हूँ, और ये भी वादा करता हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, बाला कृष्णा। तुम एक सरकारी अधिकारी को चिट्ठी में लिखकर ये दे रहे हो कि मैं रिश्वत और रिश्वत लेने वालों के खिलाफ हूँ? अरे तुम्हारी इतनी जुर्रत! अच्छा बताओ, मैंने तुमसे फूटी कौड़ी भी रिश्वत ली है क्या? मैं रिश्वत लेता हूँ, ये तुमसे किसने कहा? वो क्या है कि सरकारी अधिकारी बिना रिश्वत के काम नहीं करते। आप भी सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं। सच में अगर आप रिश्वत के खिलाफ हैं तो उस लाइन को अपने हाथों से मिटाकर मुझे लोन दे दीजिए ना सर। जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं ली जा सकती। अपनी गलती की वजह से तुम भटकते रह जाओगे। प्लीज सर। ए, कोई है क्या बाहर? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ओहो, आखिरी मटकी भी टूट गई, अब नई कहां से लाऊं? एक ने एक दिन तो सबको ही जाना है, एक मटकी के लिए रोना क्या? क्या हुआ देवी, ये आवाज कैसी थी? कौन सी वो आवाज? हाँ। बकरी, बकरी की आवाज थी वो। जब बकरियाँ कूदती है तो मटकी फूटने की आवाज आती है क्या? कभी कभार ऐसा हो जाता है ना। अच्छा ये बताओ, सलीम भाई कहाँ है? काम पर चले गए? वो क्या है ना, पराठा मटन चौप नाश्ते में खाकर वो अभी अभी बाहर गए हैं। जब भूख लगेगी तो दोपहर में चिकन बिरयानी खाने आ जाएंगे। ये बताओ, नूरी की शादी की बात चल रही थी ना, पक्की हो गई? मारुति कार मांग रहे हैं वो लड़के वाले। इन्होंने कहा मैं कार नहीं मोटर बाइक दे दूंगा। दोनों टाइम बिरयानी खाने के पैसे बचाओगे ना तो मारुति कार क्या, उससे भी बड़ी गाड़ी ले पाओगे। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की ऐसी समझदारी वाली बात बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मुझे एक मटकी दोगे क्या? मतलब कुछ देर पहले जो आवाज आई थी वो मटकी फूटने की थी ना। एक बची थी वो भी तोड़ दी क्या? वो रोजाना एक मटकी तोड़ने का कॉम्पिटिशन लगा रखा है। आप भी क्या, जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ती हूँ। सब तुम्हारी लापरवाही से है। एक काम सही करती हो तो दूसरा गड़बड़ कर देती हो। चूल्हे पे चावल रखकर मुर्गी साफ करती हो, मुर्गी तो साफ हो जाती है लेकिन चूल्हे पे रखा चावल जल जाता है। चावल संभालती हो तो मुर्गी बेकार हो जाती है। फिर कुछ भूल गई हो क्या? सच में चावल जल रहे होंगे, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा वो सही वक्त पर याद दिलाया, वरना सारे चावल जल जाते। एक दिन कहीं मुझे ना भूल जाए। चूल्हे के लिए कपड़ा यहीं तो रखा था, कहाँ गया? हाँ? अब सुनिए जी, चूल्हे के लिए कपड़ा रखा था, आपने देखा? हाँ, उसे खाकर ही मैं बाहर गया था। अब तेरे चूल्हे और कपड़ों की मैं रखवाली करूँ क्या? वही सब तो खाकर मैं अब तक जिंदा हूँ। मुझे कहीं से थोड़ा पैसा मिल जाए तो इस पेड़ को खरीद कर एक कुर्सी बनवा लूंगा। गांव के अच्छे अच्छे पेड़ों को बेचकर ही लखपति बना है। पता नहीं ऐसे कितने पेड़ों को कटवा कर बेच चुका है वो बासु सेठ। एए! क्या कर रहा है तू? मेरे बाग के अंदर घुस के मेरे पेड़ पे नजर लगा रहा है? ये बालू है मालिक। एए! तेरी इतनी हिम्मत हमारे बासी सेठ के पेड़ पर नजर लगा रहा है? अबे बासी सेठ नहीं, बासु सेठ बोल। मालिक क्यों भाई बालू,
तेरी दुकान पे नहीं आकर तेरा नुकसान किया तो तू मेरे बाग में घुसकर मेरा नुकसान करेगा क्या? सुन, तुझसे बाल कटवाने से अच्छा मंदिर में सर मुंडवा ले। मेरे बाग में चोरी कर रहा है? नहीं सेठ जी, कुछ बनवाना था इसलिए ये पेड़ देख रहा था। अगर तुझे कुछ बनवाना था तो मुझे बोल देता, मैं इंतजाम करवा देता। मैं हमेशा से तेरी मदद करना चाहता था पर तू नहीं मानता था। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है मुझसे लोन ले लेता, पर तूने मेरा ही आना बंद करवा दिया। बैंक के हिसाब से ब्याज मांगो तो ठीक है, तुम हदसे ज्यादा मांगते हो। एक बात बता, सारा गाँव मुझसे हाई इंटरेस्ट पे लोन क्यों लेता है? यहाँ कोई पैसे वाला है क्या? कोई भी नहीं है। मैं एक बड़ी फिल्म बनाकर उसके टाइटल में बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाकर गांव का नाम करूंगा। प्रेजेंटेड बाय मयूर गांव के बासी सेठ, समझे? चुप कर, बासी सेठ नहीं बे, मयूर गांव के बासू सेठ। मैं डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर चुन चुका हूँ, थोड़ा पैसे का जुगाड़ बाकी है। ए, वो ला 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 ला। अरे उसे छोड़ दो ना मालिक, सामने देखो कौन आ रहा है। ए, कौन है जो औरतों को लेके आ रहा है? अरे ये लोग कौन है, इन्हें क्यों लायो? हमारी स्टोरी में लेडीज की भूमिका बहुत अहम है, सेंटिमेंटल सीन्स काफी हैं। लेडी इमोशंस को स्टडी करना हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए मैं इन दोनों को अपने साथ लाया। इनकी रिएक्शंस को हम देखेंगे, उसके बाद मैं एक्शन बोलूंगा। पहले कहानी सुना। सीन ओपन होता है गाँव से। ये क्या है? बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे ओपनिंग में सबको रुला दोगे क्या? वो क्या है लेडीज, हमारे मासूम सा दिल है। ओवर एक्टिंग करना बंद करो, जब मैं कहूंगा तभी रोना, समझ गई? उस गांव के हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट औरत रोती बिलखती भागती चली आ रही है। अंदर सिर्फ एक ही बेड है। उसे न बेड मिलता है और न ही चटाई मिलती है, वो जमीन पर लेट जाती है। माँ को जमीन पर लेटे हुए देखकर उसके दोनों बच्चे हे ईश्वर कहकर रोने लगते हैं। उसी वक्त अचानक बाहर जोरों से बिजली कड़कती है और खूब बारिश होने लगती है। जैसे ही बारिश कट होती है सीन कट होता है। ये माथे में धुन मन करो, और सिर्फ तुम ही क्यों रो रहे हो? ये क्यों नहीं रो रही है? तुम रो क्यों नहीं रही हो? तुमने ही कहा था ना जब मैं कहूंगा तब रोना, तो रोने के लिए कब कहा? सुनो बहन, ये तुम्हें यहाँ क्या बोल के लेके आया है? सेठ जी जब हमें पैसे देंगे तब तुम्हें 100 रुपए दूंगा, ये कह के लाया है हमें। इसे पैसे नहीं मिलेंगे। तुम दोनों रखो। शुक्रिया। ये लो, इसने जो कहानी सुनाई पब्लिक उसे पसंद करेगी क्या? पब्लिक इसे चप्पल से मारेगी मालिक। आप ही सोचिए, वो बेचारी पहले से ही 2 बच्चों की माँ है। उस बेचारी को बेड में लिटाए तो क्या और जमीन में लिटाए तो क्या, बच्चा फिर भी होकर रहेगा। समझा गए सर? अगर आपने गलती से भी इसकी कहानी पर फिल्म बनाई तो फिर हो गया, सारे बगीचे बेचने पड़ेंगे। चुप कर। ऑडियंस जो फिल्म देखने आती है ना वो तुमसे ज्यादा समझदार है, इस तरह की कहानी सुना के तुम दिल नहीं जीत सकते। मालिक, आपका नाम और इस गांव का नाम सिर्फ इसी शहर में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए, और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आप एक सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाइए। उनके पोस्टर जब शहर में लगेंगे तब आपकी किस्मत बदल जाएगी। हमें किसे लेना चाहिए? भाई कल जैक्शन को लेते हैं मालिक। तेरी अकल घास चरने गई है, अबे वो मर चुका है, जाड़िए। और ये रहा मेरा किंग। अरे ये क्या? ए, मैंने अभी अभी दुकान खोली, फिर तुम लोग अंदर कैसे आ गए? हमने हमारे लिए अलग दरवाजा बना के रखा है। हा? जब चाहे अंदर आ सकते हैं, जब चाहे बाहर जा सकते हैं। अबे नालायको, मेरी दुकान में डाका डालते हो, निकलो यहाँ से, निकलो। अरे, अरे, निकलो, निकलो। अरे समझा कर बालू, हम लोग कोई चोर नहीं है। क्या है ही क्या, जंग लगी हुई कैंची, टूटी हुई कंघी, तेरे दरवाजे को भी दीमक ने खा लिया है। अरे चोर यहाँ चोरी क्या करेगा? जो भी है बाहर निकलो। इसने आकर हमारा खेल ही बिगाड़ दिया यार, हम लोग अपने पुराने अड्डे पर जाकर खेलते हैं। चलो निकलो यहाँ से, दोबारा देखे तो उस तरह फेर दूंगा। शांत हो जा बालू, तेरे ठीक सामने जो सूर्या की नई दुकान खुली है उसका धंधा तेरे से कई गुना अच्छा चल रहा है। डुप्लीकेट पुलिस के जरिए कस्टमर खींचता है, इसे धंधा नहीं चीटिंग कहते हैं। तुम लोग कितने को लाए हो? 3 जन को। वेरी गुड, साल भर से इस तरह मेहनत करने के बाद ही मेरा सैलून तरक्की कर रहा है। जंगली की तरह बाल बढ़ाए हुए हो और कटवाने से भाग रहे हो। ऐसी सफाई करूंगा कि बंजर जमीन बना दूंगा। स्प्रे से सब बेहोश हुए। अरे वाह, बाप रे, कितना बदसूरत इंसान है, इसकी शक्ल देखे बिना इसे टकला कर देता हूँ।
बाल कटिंग का 30, टकला बनाने का 50। इसका टकला बिल्कुल तबले जैसा हो गया है। स्प्रे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत देर तक बेहोश करके रखता है। तक दिना दिन, तक दिना दिन। क्या हुआ? तिरुपति के लिए जो बाल बचाए थे तो तुमने उड़ा दिए। तिरुपति के लिए छोड़ो बाल। देखो तो हमारे यहाँ जो भी टकला होता है उसका बाल सीधे तिरुपति ही जाता है। पर कैसे? वो ऐसे। अरे वो सब तो ठीक है, पर तिरुपति में मैं क्या मुंडवाऊंगा? ओह, लगता है जटा बनाने के लिए अपना बाल बढ़ा रहा था। सुन छोटू, बाल बढ़ाने वाला लड्डू लाना जरा। दे दे टकले को। मुझे तो लगा बड़ा लड्डू आ गया, ये तो कितना छोटा है। वो क्या है, लड्डू को आए हुए एक हफ्ता हो गया है। जैसे बाल चिपक कर जटा हो जाता है, उसी तरह ये भी चिपक कर छोटा हो गया। अरे ये क्या कर दिया? मुझे वो चिल्ला क्यों रहा है? अरे मेरे सारे बाल इसे पसंद नहीं आया। अरे इसे पांचवा फॉर्मूला खिला कर दे। क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे ये कैसा पांचवा फॉर्मूला, ये तो सूखा हुआ फल है। वो क्या है ना, ये बाल बढ़ाने वाला पांचवा फॉर्मूला है। रास्ते में धूप ज्यादा थी तो सूख गया, पंखे की हवा में सिकुड़ गया। चुपचाप निकल लेना, 30 लोग पहले ही खा के ऊपर जा चुके हैं। हाँ सैलून पुलिस, नेक्स्ट शिफ्ट में जाकर आओ। जितने भी लंबे बाल वाले हैं उन्हें पकड़ कर लाओ, सबको टकला करना है। जल्दी जाओ 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 जाओ। नमस्ते। मेरी तरक्की से हर कोई जलता है, ये तो ऐसे घूरा जैसे खा ही जाएगा। मुझसे काम सीख कर आज तो मुझे ही तेवर दिखा रहा है। ए सूर्या, झाड़ू लगा रहा है कि क्या कर रहा है? सब जगह फैला रहा है। भाग। मालिक, यहाँ जितनी भी सफाई करूंगा हाल यही रहेगा, और झाड़ू लगा के मैं तरक्की कैसे करूंगा? कोई पुरानी खोपड़ी दे देते तो उस्तुरा घुमा के मैं भी काम सीख लेता। पुरानी खोपड़ी? ये कोई वर्कशॉप है जहाँ ठोक पीट कर काम सीखेगा? उस्तुरा चलाना मजाक लगता है। तूने कहीं गलती की और उल्टा सीधा चला दिया ना तो गाँव वाले मेरी बारात निकाल देंगे। तो फिर बताइए मैं काम कब सीखूंगा? अच्छा वो देख, उस बलून में शेविंग क्रीम लगा हुआ है, उसे क्लीनली शेव करके बता, उसके बाद लोगों पे करना। जा जा। कैसे रहा है? मरियल की तरह। जब मैंने काम सिखाने को कहा तो किसी इंसान की शेविंग करने की बजाय मुझे एक बलून देके कह रहा है उसका क्लीन शेव करो। आज मैं वो करके दिखाऊंगा। बलून भी मालिक की साजिश में मिला हुआ है। ए, तू अब तक 1903 बलून फोड़ चुका है। ये अगर इंसानों पे किया होता तो क्या होता? मर्डर होता। तू नहीं सुधरेगा। जा जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। मालिक गेट बंद कर दिया है, काम शुरू करते हैं। इतने सारे कटिंग का स्पेशलिस्ट है ये सूर्या। जैसे कोई सिंह चना बेचता है वैसे तुम सलून की दुकान चला रहे हो। मोबाइल कटिंग है भाई, मोबाइल कटिंग। मोबाइल कटिंग? हाँ जी सर, अपना बाल कटवाने के लिए आप मुझे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ। ट्रैवलिंग आवर्स में आपके बाल कट जाए तो सोचिए आपका कितना टाइम बचेगा सर। फॉरन में जाकर देखिए, एक नंबर के साथ सेविंग करवाते हैं, दो नंबर के साथ बाल कटवाते हैं, तो फिर ये तरीका हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं? ये आइडिया तो बढ़िया है। हाँ। पर क्या हम ये कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप अपना सर बाहर निकालिए, बाकी काम मैं संभालूंगा। ये रहा सलमान खान कटिंग, 20 रुपए निकालो साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बड़ू, दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है, आसपास में बैठने वाले लोगों के नाक मुंह में नहीं घुसेगा क्या? इन मूंछों के बल पे ही मैं गांव की पंचायत चलाता हूँ। दाढ़ी बनाना बिना मूंछों को हाथ लगाए। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी दाढ़ी ऐसे बनाऊंगा कि तुम सचमुच के सरपंच लगोगे। मुँह खोलो, पी जाओ पी जाओ पी जाओ। अब आस पास के पंचायत का फैसला भी तुम्हारे पास ही आएगा। सही फैसला नहीं किए तो ये मूछ भी। मैदान बन चुका है, बच्चे चिढ़ाएंगे, बंजर जमीन आया, बंजर जमीन आया, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। तो क्या करूं? अरे बताता हूँ, इसके लिए इंडिया में एक प्रोडक्ट शुरू हुआ है। आप भूत दिख रहे हो, इसे यूज करो, आप यूथ दिखोगे सर। ए, काम पूरा हो गया, चलो फाटक खोलो। ये चलो खोल दो। अरे ये क्या फाटक, तुम क्यों खोल रहे हो? अरे उसे बंद हमने किया तो खोलना भी हमें ही पड़ेगा ना। ट्रेन नहीं आने वाली? यहाँ ट्रेन शाम में आती है, जाने दो। अपना धंधा करने के लिए कितनी चीटिंग करता है ये। दिन रात काम करके खुद को साबित करके दुकान खोला हुआ मैंने। ये अचानक क्या सोच रहा है? तो काम करने के लिए नहीं, बोल बच्चन देने के लिए पैदा हुआ है। हाँ, मैं बोल बच्चन के लिए ही पैदा हुआ हूँ, और तू बोल बच्चन से ही बिगड़ा है। ये याद रखना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, लेकिन मेरे दोनों सेम हैं।
ए, हमारे दुकान पर दुश्मन की बुरी नजर लगी हुई है। किसी तांत्रिक के पास जाकर एक नींबू और ताबीज लेकर आ। दुकान के चारों ओर घुमा के दुश्मन के सर पर ले जाके फोड़ दे। सिस्टर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं 10th में पढ़ने वाली कमला का पिता हूँ। अच्छा, 10th की क्लास वहाँ पर चल रही है। वो मुझे प्रिंसिपल जी ने बुलाया है। प्रिंसिपल से मिलना है। नमस्ते मैडम। फीस यहाँ नहीं भरी जाती, ऑफिस रूम में जाइए। मेरे पास होता तो वहीं जाता, यहाँ आपके पास नहीं आता मैडम। अच्छी बात है, मैं उसे और नहीं बचा सकती, उसे निकाल रही हूँ। बच्ची को बाहर निकाल दिया तो फीस भरने का क्या मतलब? बच्ची को कंटिन्यू करने की इजाजत दे दीजिए और मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। इस बार मैं किसी भी तरह से फीस भर दूंगा। आप वक्त जाया कर रहे हैं। सिस्टर, क्लास में मेरी बच्ची अव्वल आती है, ये तो आप जानती है ना। कौन क्या है ये आप मुझे समझाएंगे? उसे स्कूल भेजना चाहते हैं आप तो सबसे पहले उसकी फीस भर दीजिए, वरना वो 10th की एग्जाम नहीं दे पाएगी। आपकी फीस हर साल टाइम पे भरी है मैंने, प्रॉब्लम सिर्फ इसी साल है। एक काम करिए, उसे किसी सरकारी स्कूल में भेज दीजिए। तो मैं वहाँ के टीचर को बुला लाता हूँ, यहाँ कैसे पढ़ा जाता है उसे बता देंगे क्या? मजाक कर रहे हैं मुझसे? चलिए बाहर निकलिए यहाँ से। क्या सिस्टर, एक नन होकर कैसे चिल्ला रही हैं आप? जीसस नाराज हो जाएंगे। आपको पता है आपके चैन में आपके दिल के करीब क्यों है? ताकि आप हमेशा रहम दिल बनी रहे। विल यू प्लीज गेट आउट। लॉर्ड आंसर माई प्रेयर। पापा पापा, फीस जमा कर दिया आपने? फीस नहीं बेटा। मतलब मैं 10th की एग्जाम नहीं दे पाऊंगी? नहीं बेटा, चाहे जो हो जाए एग्जाम में जरूर बैठोगे, ठीक है? पापा सब ठीक कर देंगे। हैं? ये क्या हो रहा है? क्या बात है, मुझे देखते ही सबके सब भाग रहे हैं और ये यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? मम्मी मम्मी, क्यों बे? जब पड़ोस की औरत एक्सरसाइज कर रही है उसे छुपकर देखने के साथ साथ गंदे और अश्लील गाने भी गाता है तू, कमीने। सर, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। आप क्या? सर, आप शायद मुझे ठीक से पहचानते नहीं, जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन है? मैं उसका हस्बैंड हूँ सर। उसके हस्बैंड हो? हाँ, सर। फिर तू झूठ बोल रहा है? मार क्यों रहे हैं? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो रहा मेरी शादी का फोटो, अपनी आंखों से देख लीजिए सर। हाँ, तू सच कह रहा है? राम बनाए जोड़ी है सर, एक अंधा एक कोड़ी है सर। अच्छा ये बता, तेरी बीवी को एक्सरसाइज करवाकर कुश्ती लड़वाना चाहता है क्या? आप क्या कह रहे हैं सर? नजदीक से देख के मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए उसे दूर दूर से देख के मन में एक नई उमंग जाग रही थी, इतने में आप आ गए सर। मैं तो बोल रहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ सर, आप खुद चल के देखिए। अरे मैं नहीं आ रहा सर। अपनी बीवी को देखना कोई गुनाह है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइए देखिए, वहाँ वो दिख रही है आपको? हाँ दिख तो रही है। क्या लग रही है? अब यहाँ से देख लिया, अब उस एंगल से देखिए आप। वाइड एंगल सर, थोड़ा उठा कर देखो, सर थोड़ा झुका कर देखो, शानदार नजारा है ना। अब एक काम करो, अपनी दूरबीन लगा के देखो। ऐसे क्या दिख रहा है? बहुत शानदार है ना, है ना, है ना सर। जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है। बेकार में आप मुझ पे शक कर रहे थे। कर दो। क्या हुआ सर? इरादा क्या है तुम्हारा? नहीं सर, को थोड़ा मुझ पे शक हो रहा था इसलिए मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा था। डाउट क्लियर करने के लिए तुम कोई आईजी हो क्या? ऐसी बात नहीं है। आओ अंदर आओ, ठीक है, तुम्हारी सारी डाउट क्लियर करती हूँ। बिल्कुल ठीक। एक मिनट रुको, सुनिए। क्या है? मैं खुश था, आपने आकर मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया, अब इसे मुझे झेलना पड़ेगा। अब तो जाओ, ये जा ही नहीं रहा है। यार की बात ही नहीं समझता है, पुलिस वाला भी तुम्हें देखकर जम ही गया। पति होकर सबके सामने मेरी नुमाइश करवाते हो? गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। झूठ। कलेक्शन कहाँ है? कहाँ गया वो? यहाँ ये ले। कितना है? 500 रुपया है। सिर्फ
500 रुपए? रोजाना 1000 रुपए की बात हुई थी इसलिए मैंने शादी की थी तुमसे। अरे बाप रे, शर्म कर शर्म कर। इस 500 रुपया के लिए मुझे कितनों को टकला करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद गांव में किसी के पास बाल नहीं बचेगा। सर का बाल कोई घास नहीं है जो पानी पड़ते ही उग जाएगा। 2-3 महीने के बाद थोड़े बहुत बाल बढ़े तो वो लोग कटवाने के लिए आएंगे। फिर भी तुझे 1000 रुपए चाहिए तो मुझे गाँव की लड़कियों के भी बाल काटने पड़ेंगे। मैं वो कुछ नहीं जानती। रोज 1000 रुपए लाओगे तो घर के अंदर वरना बाहर। घर से बाहर बंद करो। कमला, तुम पढ़कर क्या बनना चाहती है, डॉक्टर या साइंटिस्ट? पहले आप फीस तो भर दीजिए, क्या बनना है मैं बाद में सोच लूंगी। फीस का क्या है बेटी, वो तो मैं भरी दूंगा। पिछले 10 साल से आप यही कहते आए हैं, आपने कभी भी सही वक्त पे मेरी फीस नहीं भरी। पापा, 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 स्कूल से छुट्टी हो गई क्या? हाँ, छुट्टी हो गई। कल से स्कूल नहीं जाएंगे ऐसा तय किया है हमने। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज दीदी के स्कूल की फीस नहीं भर पाए, कल हम लोगों के स्कूल की फीस नहीं भर पाएंगे आप। मतलब अब तुम लोग आगे नहीं पढ़ना चाहते हो? हम स्कूल जाना छोड़ देंगे तो मम्मी का हाथ बटाएंगे, शू पॉलिश भी नहीं करना पड़ेगा। आप भी हमसे नहीं कहेंगे कि स्कूल जाओ। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे, इसीलिए स्कूल में डाला था। पापा, मैं टिफिन नहीं ले जा पाता हूँ, दोपहर को बहुत भूख लगती है, कुछ खिलाइए ना पापा। आज कितनी कमाई हुई? आज मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला है। आप सब दुख भुलाकर हर वक्त बस मुस्कुराते रहते हैं, ये आप कर कैसे लेते हैं? जानना चाहते हो? ये चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं कहने वाली बीवी है। कार नहीं है, बंगला नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे खुश हैं। अब ऐसा परिवार हो तो कौन नहीं हंसेगा। भैया, दुकान के मालिक सूर्या जी जो हैं, सबको जबरदस्ती टकला बनाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शख्स ने खुद से आकर नहीं कहा कि मेरी कटिंग शेविंग करो। ये बात तो बिल्कुल सही है। वो लगता है पहले तिरुपति में काम करता था। बस इतना ही नहीं, दुकान पर कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ कटिंग होती है। लोगों को पकड़ पकड़ कर लाकर टकला बनाते हैं। कभी कुछ 19-20 हुआ तो वो तो जाएगा ही, साथ में हमें भी ले डूबेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इस पागल मालिक का कुछ ना कुछ उपाय तो हम खोजेंगे। जल्दी, वरना वो उल्लू का पट्टा हमें पागल बना देगा। क्या हुआ? कौन है? हमारी बातें सुन ली आपने? मालिक, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। मालिक, कम केयर, हमसे गलती हो गई। मालिक, हमें तुमने क्या कहा? मैं उल्लू का पट्टा हूँ? अरे, कस्टमर के सामने मालिक, बॉस, सर, गुरु, इतनी इज्जत करते हो? जब कोई नहीं रहता तो ये वो ऐसा वैसा उल्लू का पट्टा कह रहे हो? ए, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर तुम लोग मर्द के बच्चे हो तो मेरे मुंह पे कह के बताओ, अगर मैंने पीछे कहा ना तो तुम्हें तुम्हारी है। उल्लू के पट्टे, पागल कहीं के, देख हम तेरे मुंह पे बोल रहे हैं। तू मालिक नहीं है बे, कसाई है। दो इडली एक्स्ट्रा क्या खाई तूने? गरीब की तनख्वाह काट ली? कभी 1 रुपया बढ़ाकर दिया क्या? सबको टकला बनाकर लूटता है तू? तेरे बाप का राज है क्या? भैया, बारी है सरसों के खली, गेहूं के डंठल। सुन ले, देख मैं तुझे सुना रहा हूँ, तुझसे पगार मांगता हूँ तो तू चिल्लाने लगता है। देख, सबको टकला करने वाले छोड़े। तू शक्ल से ही किसी का मालिक बनने के लायक नहीं लगता, तू तो जोकर है, समझा? मुझे मारता है। थप्पड़ मारकर इस कमीने को नीचे क्यों लगाया यार? मालिक सुनो, कोई अच्छी बात चल रही थी, अचानक मेरा माइंड कैसे ऑफ हो गया? मालिक, हुआ ये था कि आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, फिर गहरी सोच में चले गए। गहरी सोच में क्यों रे? कस्टमर को बेहोश करने वाली दवा तुम लोगों ने मुझे मार दी, मुझे बेहोश कर दिया। मालिक, जाने दीजिए मालिक, इज्जत से बाहर निकल जाओ। रेट कम किया गया है, हेयर कटिंग 25 रुपया से 18 रुपया, शेविंग 15 रुपया से 7 रुपया, बगल के बाल काटने का कोई चार्ज नहीं। ये क्या यार, इसने तो भाव ऐसे गिरा दिया जैसे दुकान बंद होने के कगार पर है। अरे भले ही अपनी दुकान में सारा सामान नया क्यों ना लेकर आ जाए, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, इसके यहाँ मक्की भी बाल नहीं काटेगी। बस बस, क्या हुआ? बालू ने अपनी कटिंग का भाव गिरा दिया। भाव गिरा दिया? हाँ बस, भाव गिरा देने से वहाँ कोई जाएगा क्या? कटिंग करना सबके बस की बात नहीं। आजकल हाफ कटिंग, अमेरिका कटिंग, पॉप कटिंग, टॉप कटिंग, सर पर मुर्गी का ताज कटिंग आ गया है। सारी कटिंग यहाँ होती है तो वहाँ कौन जाएगा? सुनो ना भाई, मुझे बाल कटवाना है। हाँ, अंदर जा। ए, चलो हटो हटो, रास्ते से हट जाओ, देख ले रहे हो मालिक आ रहे हैं। एक तरफ से तुम कलेक्ट करो, सामने की दुकान 2500, बटन शॉप 3000, फूल की दुकान 750, चाय की थाली 200 रुपए, भाजी और साइकिल वाले से 300 रुपए, सबसे जाकर तुम वसूल करो। पता ना कैसे वसूल करना? प्यार से मांगू क्या? अर्थात विलन बन जा। छीन कर लूंगा। हाँ। सेठ,
वो देखो बालू ने अपना रेट गिरा दिया। अरे हाँ, मैंने आज इसी में सोचा था कि बाल कटवा लूं। बालू को पैसे की जरूरत है तो मैं आज नहीं कटवा लेता। ये हाथ मैं भी कटिंग करवा लूं, मेरे भी बाल जंगल के जैसे हो गए। पैसे मत खर्च करवा, वरना डायरेक्टर कट कर दूंगा। मालिक कटिंग उधर करवाइए, मुझे कट मत कीजिए। चलो भाई अब उससे वसूली करते हैं। ये क्या है बे, शीशे में चेहरा नहीं दिख रहा। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, शीशा ही नहीं चाहता तुम्हारा चेहरा दिखे। अरे क्या बोल रहा है, लेकिन शीशे में मेरा चेहरा इतना भद्दा क्यों दिख रहा है? ऐसा चेहरा वैसे ही दिखेगा ना। ठीक है बैठिए, देखता हूँ आज तू क्या करता है। जितनी तेरी उम्र है उतनी पुरानी चेहरा है। अरे मर गया। अरे बासु सेठ, तुम्हारे दुश्मन क्या कुर्सी समेत गिर पड़ा? गिर पड़ा क्या? गिनने दो। उठा रे मुझे, उठा। अरे मालिक क्या हुआ? अरे मालिक क्या? अरे उठा रे, अरे कमर टूट गई, उठा। अरे गिरने से बहुत दर्द हो रहा होगा। जैसे हीरो के एक्शन करने से कुछ नहीं होता, वैसे इन्हें भी कुछ नहीं हुआ। मेरे शरीर के अंदर पंजर हिल गए, मुझे आराम से उठा कर लेकर चलो। पिताजी की ये यादगार भी गई। अरे तोड़ दिया रे। शुभ दिन आने वाले हैं, पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, इस गांव के रहवासियों के लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। शुभ दिन आने वाले हैं, शुभ दिन आने वाले हैं, पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, इस गांव के रहवासियों के लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। शुभ दिन आने वाले हैं, पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। ए उठना। ये डुगडुगी वाला हमेशा कहता है कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज तो वो बोल रहा है कि पूरे गांव के अच्छे दिन आएंगे। नमस्ते साहब, नमस्ते। ए, ए, ए। अरे भाई कोड़ी फ्लावर है क्या? अबे कोड़ी फ्लावर नहीं होता, कॉली फ्लावर होता है तोतले। सॉरी हां, ये विलेज बॉय है। और तुम कौन से गांव के हो? यूएसपी। यूएसपी हाउस इन अ मिडिल टाउन। हाँ सुनो, डेली मयूर गेस्ट हाउस में 40 किलो चावल, 20 किलो दाल, 5 किलो इमली, धनिया, अदरक और वो सब कुछ जो कुकिंग में लगता है वो सब पहुँचाने का। अगर तुम नहीं दे सकते तो टाउन से लाकर गेस्ट हाउस में पहुँचा देना। उसके लिए मुंह बंद करो। 10,000 एडवांस, एंजॉय। अरे सुनो भाई, हर रोज रोजाना 30 मुर्गी, 6 बकरा, 400 मच्छी और 750 अंडे। सिर्फ इतना ही नहीं, गुर्दा, कलेजा, पाया, फेफसा और वजरी सब कुछ तुम्हें टाउन से लाकर ही देना पड़ेगा। और उसके लिए 15,000 रुपया एडवांस। व्हाट इज दिस, यहाँ आसपास में इतने बड़े बड़े दुकान है, ये काय का बाकड़ा है? पढ़ नहीं सकते? ओ, बाल काटने की दुकान। रोजाना 50 बच्चों को टकला करना पड़ता है, मयूर गेस्ट हाउस में आकर रोजाना कर देना। एडवांस 1,000 रुपीज, टेक इट। काम करने से पहले पैसे नहीं लेता। ईमानदारी की बीमारी है। चुल्लू भर पानी में जाके क्या यार बालू, अगर ये पैसे मुझे दे देता तो मैं एक हफ्ते तक जुआ खेल पाता। चल। सुबह में 50 लीटर भैंस का दूध, दोपहर में 30 लीटर गाय का दूध और शाम को दोनों का मिला के 75 लीटर दूध गेस्ट हाउस में पहुँचा देना। और एक खास बात, दूध में पानी मत मिलाना, पानी में दूध मिला कर लाना। एडवांस 5,000 रुपीज, टेक द मनी एंड सेंड द मिल्क, बाय। टेक इट इजी यार। मुझे पैदा होने से अब तक 40 साल हो चुके हैं, मैंने 1,000 का नोट आज तक नहीं देखा था। अच्छा बताओ, नोटों की बारिश कर रहे हो, तुम हो कौन? तुम्हें फिल्म देखने की बीमारी है क्या? हाँ, मैं पुराने थिएटर में फिल्म देखता हूँ। पास में कोई अच्छा थिएटर नहीं है क्या? फिल्म स्टार्ट होते ही टाइटल में नाग मंदिर के नागराजन का नाम लिखकर आता है, वो तुमने पढ़ा नहीं? नहीं सर। वो मैं हूँ यार। सर आप इस तरह पैसे लुटा रहे हैं, आप इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं या गाँव में कोई फंक्शन करवाने वाले? फंक्शन तो नहीं, उससे भी बड़ा फिल्म की शूटिंग। हमारे गाँव में कौन आ रहा है? हद से ज्यादा मेगा सीरियल देखने वाली लड़कियाँ, हद से ज्यादा मिलिट्री शराब पीने वाले लड़के, उनके दीवाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ओरिजिनल डायलॉग कौन बोलता है? हमारा सुपरस्टार।
नमस्ते सर। हाय, आप कब आए? मैं रात को ही आ गया था। हेलो सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। वेलकम। इस तरफ सर। एसोसिएट डायरेक्टर से कहो कि मैं आ गया हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वो मैं आते सर। गुड मॉर्निंग सर। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, धीरे धीरे। माँ, इस तरह भागकर क्यों आ रहे हो? ऐसी कौन सी जरूरी बात है, बोलो। माँ माँ, हमारे गांव में शूटिंग होने वाली है। शूटिंग? क्या, जानती हो हीरो कौन है? कौन है? पापा के फ्रेंड सुपरस्टार अशोक कुमार। सुपरस्टार? हाँ माँ, पूरे स्कूल में यही बातें चल रही है। पापा, हमें उसे तुरंत मिलना है, हमें उनके साथ एक फोटो निकालनी है। पापा अभी चली ना, अभी जाएंगे। सब्र रखो बेटा। पापा, वो आएंगे क्या हमारे घर पर? नहीं नहीं, वो हमारा खंडर देखेंगे तो भाग जाएंगे। वो जहाँ रुके हैं ना, हम वहीं जाएंगे। ओके ओके, यस करेक्ट। हमें उसे मिलाने के लिए कब लेके जाएंगे पापा? वो अभी अभी आए होंगे, शूटिंग स्टार्ट होने दो, तब लेके चलूंगा। वाह, मजा आएगा, हम उनके साथ फोटो निकाल कर पूरे स्कूल में दिखाएंगे। मैं तो उनके साथ एक सिंगल फोटो निकालूंगा। सुपरस्टार, सुनिए जी, बच्चों के साथ मुझे भी ले जाएंगे ना, मुझे भी उनसे मिलना है। पापा, आप अगर सबको लेके जा रहे हो तो मैं भी चलूं क्या? ले जाऊंगा बेटा, तुम्हें, तुम्हारी माँ को, बकरे, मुर्गी के बच्चे, सबको ले जाऊंगा। अरे ये क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कहाँ लेकर आए हो मुझे? चलो चलो, जानते हो मैं कौन हूँ? कोई भी हो, मुझे उससे क्या, मेरा काम तो सबको टकला बनाना है। चल मुच्छड़, सो जा, खामोश। बढ़िया है, आज पहली बार कोई सही मुर्गा मेरे पास आया है। गंजा बनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ब्लड, हल्दी लगा कर इसे छुपाना पड़ेगा। सुन, इस टकले को कोई मलहम लगा दे। अभी लगाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा चार्ज 50 रुपए। वेरी गुड, बाकी के पैसे रख। अरे लैप लग गया, जल्दी से उठा। अरे उठ जा भाई। ओ नो, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अरे सुन, तुझे तो शौक लगने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरा सर काटा, क्या सर का जंगल साफ किया, तेरी मूछ साफ की, तुझे जानवर से इंसान बना डाला और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? अरे आईने में अपनी शक्ल देख, तेरा टकला क्या मस्त चमक रहा है और तू है कि मैं जानता है मैं कौन हूँ। मैं कैसे जानूंगा कि तू कौन है? तू पहले बताएगा तब तो मैं जानूंगा ना। DSP। कौन सा पी? DSP गधे। सबका उठा के गाड़ी में डालो। अरे अरे, भागो भागो, डुप्लीकेट पुलिस की मदद से लोगों को जबरदस्ती लेकर आते हो और उन्हें टकला भी बोलते हो। चलो अंदर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन है तुम लोगों का मालिक? ये दुकान कौन चलाता है? अरे मुझे बचाओ इसे। ये तू गाड़ी करता है क्या? अबे अंधा हो गया है तू, दिख नहीं रहा मैं तेरा DSP हूँ। बाप रे, DSP सर, आपके बाल कहाँ गए? इस गधे ने सब उड़ा दिए। इतनी मत, तूने क्या किया? मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत का फालतू ना बनेगा। नहीं, तेरी वजह से मैं टकला हो गया, यहाँ मारने से कुछ नहीं होगा, पुलिस स्टेशन ले जाकर मारते हैं। सुनिए जी, याद है ना, आप कल हमें उनसे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। ए, बच्चे तो नादान है ठीक है, पर तुम ये बकवास क्यों कर रही हो? वो तुम्हें जानते तो है ना? हमारी 30 साल पहले की मुलाकात है, इस दौरान वो ना जाने कितने लोगों से मिला होगा, उसके सामने जाकर खड़ा भी हो जाऊं तो जरूरी थोड़े कि मुझे पहचानेगा। ये मत भूलो, उसके आसपास ना जाने कितने बड़े लोग होंगे, अगर उनके सामने जाकर ये कहूं कि तुम्हारा पुराना फ्रेंड हो, उसने पहचाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? और यह भी हो सकता है कि आज भी उन्हें याद हो, लेकिन अगर ऐसी हालत में उनसे जाकर मिला तो कहीं ये ना सोच बैठे कि मैं उनसे कुछ मदद मांगने आया हूं। नहीं, उससे नहीं होगा। तो फिर आपने बच्चों से वादा क्यों कर दिया कि आप उन्हें शूटिंग पर ले जाएंगे? वो कुछ दिन के लिए इस गांव में आए हैं, फिर चले जाएंगे, तब तक बच्चों से कुछ बहाना बनाता रहूंगा। तुम जाओ अपना काम करो। प्लीज कम, कल कौन सा सीन है? वो वही सीन है सर,
जिसमें हीरोइन जमीन खरीदती है। लोकेशन कितनी दूर? लगभग 12 किलोमीटर होगा सर। 12 किलोमीटर? कॉल टाइम कब का है? 7:30 ऑन द स्पॉट विद मेकअप। 7:30 ऑन द स्पॉट? डायरेक्टर आ गए? डायरेक्टर शाम के फ्लैट से आ रहे हैं। बिजी मैन सर। ओके ओके, कलेक्टर साहब यहाँ आपसे मिलने आए। कलेक्टर मुझसे मिलने आए हैं? समझ गई ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सर, आई एम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समीर पाशा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर। कुछ लेंगे आप? नो, थैंक यू सर। कैसे आना हुआ? सर, आप जो ये शूटिंग करने आए हैं, ये आंध्र बॉर्डर है, ये सारा इलाका नेक्सलाइट्स का है, यहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा मुझे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है। मेरी जान को खतरा है? नो, इट मे बी फेक न्यूज। नो सर, ये इन्फॉर्मेशन मुझे सीधे दिल्ली से आई है। और इतना ही नहीं सर, मुझे पूरी शूटिंग के दौरान आपको जेड प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर आया है। जेड कैटेगरी? इसीलिए आप शूटिंग के खत्म होने तक किसी को भी अपने नजदीक ना आने दीजिएगा सर। सर, लोग बड़ी मुश्किल से ट्रेनों और बसों में धक्के खाते हुए मुझसे मिलने आते, मैं उनसे मिल नहीं पाता, लेकिन आज मैं उनके गांव में आया हूँ। यहाँ आकर भी उनसे नहीं मिला और उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सर प्लीज, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उसका नतीजा हमारे लिए बहुत खराब होगा सर। आई डीपली पिटी देम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर शंकर नारायण। सर, यहाँ जो शूटिंग होने वाली है वो आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर होने वाली है, तो दोनों स्टेट के पुलिस वाले यहाँ आ गए हैं? हाँ जी, आ गए हैं सर। गुड। और देखिए, जब तक शूटिंग खत्म ना हो आपको इस स्पॉट पे विजिट करते रहना होगा। श्योर सर। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम सर। इस फेंसिंग के अंदर किसी को आने मत देना। ओके सर। गेस्ट हाउस के चारों ओर पहरा लगा दो। जी सर। जाओ। मालिक, खुशखबरी है, हमारे गांव में सुपरस्टार आए हैं। 40 दिनों तक यहीं रहकर शूटिंग करेंगे। सच में? जी मालिक, बिल्कुल। सूर्य मालिक, अब हमें माइकल जैक्सन को लेने की जरूरत नहीं है, इन्हें ले लेते हैं। अरे वो मर चुका है, उसे बीच में क्यों लाता है? ये मर चुका है, मेरे दिल में अभी भी जिंदा है। अरे लेकिन उसके चारों तरफ तो पुलिस होगी ना, तो हम उससे जाके मिलेंगे कैसे? आप बिना मालिक, अरे आप इस गांव के बहुत बड़े आदमी हैं, आपको रोकने की हिम्मत कौन कर सकता है? वो तो है। इतनी बड़ी हस्ती यहाँ शूटिंग कर रही है, हम आज ही उनसे मिल लेंगे और उनसे कहेंगे कि हम आपको लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं। फिल्म बनाने से पहले थोड़े पैसे देने होते हैं और वो अपना टाइम आपको देते हैं, उसी को कॉल शीट बोलते हैं। ये जो भी शीट है, हम जल्दी से जाएंगे और एक कॉल शीट निकाल के शूटिंग शुरू कर देंगे। और पर्दे पर बड़ा नाम आएगा, बासी सेठ। वो तेरे बाप का नाम है। मेरा नाम है बासु सेठ ऑफ मयूर गांव। जैसे ही आपका नाम हटेगा वैसे ही मेरा नाम बड़े अक्षरों में डायरेक्शन में लिख कर आएगा। अरे बताओ तो, क्या बात है, बताओ तो सही। आपने वादा किया था ना संडे को सुपरस्टार से मिलवाओगे, तो फिर रुको रुको, शूटिंग कहाँ चल रही है मुझे नहीं पता। शूटिंग कहाँ चल रही है ये बात इस गांव के बच्चे से भी पूछोगे तो वो बता देगा। शूटिंग इस गांव में चल रही है मैं जानता हूँ, लेकिन जंगल में चल रही है कि घाट पे चल रही है ये मैं नहीं जानता। वहाँ पहुँच गया, हम इजली पता लगा लेंगे। अब बहाना मत बनाओ, चलो पापा। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, शूटिंग मान लो घाट में हो रही है तो धूप से तुम लोग की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर बताओ मैं क्या करूँगा। टाइफाइड हुआ तो भी परवाह नहीं, लेकिन हमें उनसे मिलना ही है। अभी ने कैसे समझाऊं? ठीक है, पहले मैं जाता हूँ, जाकर उनसे मिलता हूँ, फिर पूरे परिवार के साथ आने की परमिशन ले लेता हूँ, उसके बाद हम सब उनसे मिलेंगे, हैं? आज तो किसी तरह से बच गया। चलो। ये क्या यार, गांव में कोई नजर नहीं आ रहा यार। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, सभी लोग शूटिंग देखने गए, आज कोई यहाँ दूध तक लेने नहीं आया। 10 लीटर दूध वेस्ट, चाय वेस्ट, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जाकर वहीं स्टॉल लगा लूँ। अरे वो देख, हमारा विश्व कुमार। अरे हाँ यार। अरे वो देख नैनतारा। लेकिन हमारे अशोक कुमार कहीं नहीं दिख रहे। सर, एक सर, सर, प्लीज सर, सर पीछे देखिए सर। सुपरस्टार कैसे हैं? बाद में। ओ, जैसा लोकेशन मुझे चाहिए था वैसा ही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये अपना ही गांव है सर। कहाँ रहता है तू? आपको पता नहीं मैं इसी गांव का हूँ। तो क्या हुआ, अगर शूटिंग देखनी है तो यही खड़े रहो, नहीं तो चले जाओ। हम कोई रास्ते के अरे गरे नहीं है, पता है हमारे साथ कौन आया है? कौन आया है? बासु सेठ। आप वर्दी में तो किसी को कुछ भी बोलोगे क्या? देखना है तो चुपचाप खड़ा होकर देख, वरना अब मैं नहीं बोलूंगा ये डंडा बोलेगा। हेलो, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? चुपचाप निकल ले यहाँ से। अरे मेरे मालिक सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं, ये पूरा गांव उनको सलाम मारता है और तुम ऐसी बात। व्हाट एन ओपनिंग कट। ओके, लोकेशन शिफ्ट। अरे लुंगी कहाँ गई? सर, जब अशोक सर की शूटिंग यहाँ पूरी हो जाएगी तो सर के साथ में एक फोटो खींच सकता हूँ। क्या? नहीं, स्ट्रेस के साथ एक फोटो निकालेंगे तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा।
ध्यान से देख, वो लकड़ी दिखाकर भागेगा और यहाँ शूटिंग चालू हो जाएगा। क्लैप। अरे सुनिए, हमें 10 दिनों के अंदर ये काम खत्म करना है, इसीलिए तुम सबको जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी हम दूसरे गांव जाकर 2 पैसे और कमा पाएंगे। इसी वक्त ये काम रोक दो। इस जमीन का सौदा मेरे साथ करो। मैं इस जमीन को खरीद कर एक बहुत बड़ा मॉल बनाने का सोच रही हूं। मैम साहब, आप हमारी उपजाऊ जमीन को खरीदेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम इसे माँ मानते हैं, हमारे लिए ये बहुत अनमोल है। हम किसान हैं, हमें और कोई काम नहीं आता। वक्त हमारा साथ कब देता है कब छोड़ देता है ये हमें खुद भी पता नहीं, यही तो हमारी बदनसीबी है। ये जमीन मैं 3 करोड़ में खरीद रही हूँ, कल रजिस्ट्रेशन होगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते। हेलो मैडम, आप 3 करोड़ रुपए देकर इस जमीन को खरीद रही होंगी, लेकिन हमारे मालिक 30 करोड़ देकर इस जमीन को खरीद चुके हैं। यहाँ कोई होटल नहीं बनेगा, सिर्फ खेती होगी। कौन हो तुम? माल्या, भाई माल्या। तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस गांव में जमीनें खरीदकर हाईटेक सिटी बनाकर ही रहूंगी। और कहाँ कहाँ जमीन खरीदी है? कोडाई कैनल में 200 एकड़ खरीद चुकी हूँ, मदुरई में 100 एकड़, चेन्नई में 150 एकड़, यहाँ भी खरीदूंगी। पूरे शहर में मेरा नाम कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे ऊपर होगा। तुम बड़ी शान से कह रहे हो कि यहाँ जमीन खरीदी है वहाँ खरीदी है, तुमने कोई जमीन नहीं खरीदी, जमीन ने तुम्हें खरीदा है। खेतीबाड़ी की जमीन को जोर जबरदस्ती खरीद कर बिल्डिंग बनाते जा रहे हो, हाईटेक बनाते जा रहे हो। कल तुम्हें सीमेंट खाना पड़ेगा क्योंकि खेती के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तुम जैसे बड़े लोगों के घर में ऐशो आराम की जिंदगी है, लेकिन गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी चटनी है। जहरीला अनाज खाओगी तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी, तब तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, उससे पेट नहीं भरेगा। जियो और दूसरों को भी जीने दो, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके मत जियो। इस जमीन से अपनी नजर हटा दो क्योंकि इस जमीन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। स्टाइल देखा अपन का। सबसे अलग। कट। लगता है ओके हो गया। सर आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। सुपर्ब सर, बहुत बढ़िया मिस्टर अशोक कुमार। थैंक यू सर। जैसे गए वैसे ही लौट कर आए, पता नहीं क्या हुआ होगा। वाह 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 वाह, कितने शांत है, क्या इज्जत है, क्या रुतबा है। कुछ लोगों को ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है भाई। वाह, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और किसके बारे में? सुपरस्टार के बारे में। आपने देखा क्या कैसे है वो? क्या इंसान है, क्या तहजीब है उनकी। जैसे ही मेरा नाम सुना वो इज्जत से खड़े हो गए और बोले मैं तो तुम्हें जानता हूँ, इधर आओ और मेरे नजदीक बैठो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे यार। सच कह रहे हो? लो सुनो इसकी बात, ये आजकल जो नए स्टार आए नहीं है उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो वैनिटी वैन से नीचे ही नहीं उतरते और ये खुले मैदान में सबके साथ मिलजुल के बात कर रहे थे। इसे ही सुपरस्टार कहते हैं, सुपरस्टार। आप सच में मिले? अरे मैंने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया तो उन्होंने मुझसे वो शीट मांगी। अरे वो कौन सी शीट है, क्या नाम है? कॉल शीट। कॉल शीट, कॉल शीट। मैंने उन्हें खाने की दावत दी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। सारा खाना ये अपने हाथों से बना कर खिलाएंगे, ऐसा वादा किया है। इतना ही नहीं, एक बोतल स्कॉच भी देंगे और साथ में बैठ के पियेंगे, ऐसा वादा किया है। म्यूजिक जरा ज्यादा ही लाउड हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो। वो अशोक कुमार जी जब शॉट देने जा रहे थे तो मुझसे बोले तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं शॉट दे आऊं बासू। जब उन्होंने कहा कि हाँ जाओ जाओ शॉट दे आओ, तो पता है वो गए और मुझे फिर से मिलने आ गए। सुन रहे, वो हमारी फिल्म जरूर करेंगे। हाँ वो इनकी फिल्म करेंगे या नहीं ये मैं कैसे बताऊँ। अरे देखा, मैंने देखा सुपरस्टार को, मैंने देखा। बड़ी रस्सी बंधी हुई थी तो हमने उन्हें 300 मीटर की दूरी से देखा। इतना ही नहीं, काले और खाकी ड्रेस में बड़ी बड़ी बंदूक लेकर मिलिट्री वाले खड़े हैं, चारों तरफ पुलिस का भी पहरा है, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये क्या बकवास कर रहा है, वासु सेठ तो उनसे अभी मिलकर आ रहे हैं। चल जावे। कौन ये? पुलिस वाले ने इसकी लुंगी उतारी और इसे भगा दिया। ये तो बिना लुंगी के भागा था। ए भाई, किसकी लुंगी चुरा कर पहन ली? अरे वो मेरी है, इसलिए मैं जीप में पड़ा हूँ, बाहर नहीं निकल रहा हूँ।
ढक्कन बंद कर अपना। मालिक पहले चेजिंग सीन फिट करता हूँ, उसको काट कर आपका सीन जोड़ने में। चुप कर वरना मैं तुझे कट कर दूंगा। इन बड़े लोगों का ये हाल है तो मैं गया तो मेरा क्या होगा। क्या बात है, हमेशा लटके हुए रहते हो, आज फुदक रहे हो। आज मैं तुमसे प्यार करूंगा तो खुशी में नाचूंगा ही ना। ये लो 1000 रुपए, बहुत मेहनत से कमाई है। लॉक द डोर, स्टार्ट हनीमून। अरे रुको जरा, तुम बहुत प्यारे हो। तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन प्यार हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, ये तुम क्या कह रही हो। हमारे गांव में सुपरस्टार शूटिंग करने के लिए आए हैं। आए हैं तो क्या, उनका पोस्टर बेडरूम में रख के हनीमून मनाएंगे क्या? ऐसा लगता है सठिया गई हो तुम। इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले परमिशन लेके आओ कि हम उनके साथ फोटो खिंचा सके, बाकी उसके बाद होगा। फोटो खींचेंगे उसके बाद। ए, क्या हुआ तुझे, ये तू क्या कह रही है? जब देखो नौटंकी करती रहती है तेरी तो। जब ये होगा तभी वो होगा। वो होगा तभी ये होगा। अरे अरे सोना सोना सुनना, जा यहाँ से। बहुत बड़ी चीटर है मेरी बीवी, जिसकी फिल्म का टिकट मिलना मुश्किल है उसके साथ फोटो कहाँ से खिंचवाऊं? ए, बड़ी मच्छी मिली तो कांटे से निकाल कर फेंक देना और छोटी मच्छी मिली तो इकट्ठा करना। अशोक कुमार जी को छोटी मछलियाँ बहुत पसंद है, समझे? वो वही है मालिक। है? लोकेशन से फोन। जाकर बात कर। हेलो, क्या है भाई के लिए छोटी मछली नहीं मिली है? चलो खैर कोई बात नहीं, जो बड़ी मछली लाई है उसे साफ कर दो और छोटे साइज में पीसेस बनाकर उन्हें फ्राई कर दो। ए, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर यार, 12 सालों से मैं वही करता आ रहा हूँ। और मेरी बात सुन, जो मेरा कहना नहीं मानेगा वो हमारे प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं रहेगा। चुपचाप अपना काम कर, समझा ना? सर। अलादीन के चिराग के जिन की तरह तू प्रकट हुआ है, कौन है भाई तू? मैं कौन हूँ? छोड़िए सर, वो जो जीप में बैठे हैं वो मेरा नौकर है, नहीं मेरे मालिक है। वही मुच्छड़ क्या जो दारू पीकर बेवड़े की तरह झूम रहा है? वो इस गांव के बड़े आदमी हैं, उनके पास बाग बगीचा बंगला सब कुछ है और पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। तो फिर जाके उसे कह दे, उसका बाग बगीचा बंगला सब कुछ मेरे नाम पे करने के लिए बोल दे, फिर मैं उसकी इज्जत करूंगा। आप उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं, वो फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं सर। एक बार बात तो कर लो, आपको भी फाइनेंस कर देंगे। अरे फिल्म लाइन का जिसको ABC नहीं मालूम, वो फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस करना चाहता है, ये जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। लगता है मेरी तारीफ कर रहा है। ये बताओ काम क्या है? सर आपसे कोई खास बात करने के लिए मालिक यहाँ तक आए हैं, आप जरा जीप तक चलोगे क्या? वो यहाँ नहीं आ सकते, उनके पैर में मेहंदी लगी है। सर वो गांव के रईस है सर। मैं इससे भी अच्छे अच्छे रईस देख चुका हूँ, ये बेकार में दिमाग खा रहा है यार, इसे समझा मैं कौन हूँ। चल। ए, ये तुम्हारे सेठ से भी बहुत बड़ा सेठ है, अगर उसे मिलना है तो उसे बोल यहाँ आए। चल जा जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो तू भी चमट खाएगा। चल। का मुझे थप्पड़ खिला दिया। क्या हुआ, क्या बोला वो? उसके पास दाल नहीं गलने वाली। मेरे बारे में नहीं बताया तूने? मैंने सब कुछ बताया। वो कह रहा है कि वो आपसे बड़ा सेठ है, अगर आपको मिलना है तो वो यहाँ नहीं आएगा, आपको उससे मिलने जाना पड़ेगा। तू अपने मन से तो नहीं कह रहा ये? नहीं नहीं मालिक। मैं जाकर मिलता हूँ और मैं खुद उसे बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा सेठ हूँ। चल चल आइए, चल मेरे साथ चल। अरे मच्छी मिली क्या? हेलो, मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन बचपन से लोग मुझे बासू सेठ के नाम से जानते हैं। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारा नाम सेठ पड़ा था क्या? ये तो गांव वाले मुझे प्यार से बुलाते हैं। और मैं तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक फिल्म बनानी है जिसके लिए सुपरस्टार की जरूरत होगी। वो क्या कहते हैं उसे, वो शीट दिलवा दो ना, मतलब बेडशीट। जानते हो इस गांव में आधे से ज्यादा लोग पागल लगते हैं। मैं उन पागलों में से नहीं हूँ, सुपरस्टार के आप काफी करीब लगते हैं। जानते हो वो कौन है? चीता, शिकारी चीता। वो जोर से छींक देंगे ना तो तुम जमीन पर लुढ़क जाओगे। जाओ जाओ यहाँ से। देखो तुम मुझे उनसे एक बार मिलवा दो तो तुम्हें जितनी मछली चाहिए ना मैं डेली लाके तुम्हें पहुँचा दूँ। काव काव बहुत कर लिए कौवे, चुपचाप हमें मछली पकड़ने दो, अब जाओ यहाँ से। चलो जाओ, ए इनको यहाँ से जाने के लिए बोलो। ए भाई जाओ ना, काय को दिमाग खाते हो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, भगा नहीं सकता तू। ए मच्छी मिले कि नहीं? अरे थोड़ा और आगे जाकर देख लो यार, मिल। आ मर गया। चल 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 चल, एक गाड़ी निकाल, चल चल ये भगा, चल ना। सुनिए जी, क्या है? कमला के स्कूल से टीचर और प्रिंसिपल सभी लोग आए हैं। अरे बाप रे, अब आप कहाँ चल दिए? फीस कहाँ उन्हें देने के लिए? कमला स्कूल कहाँ जाती है, फिर क्या परेशानी है? 2 महीने की फीस बाकी है। ओ अच्छा, ये बात तुम है। तुम तो ऐसे करो जैसे पता ही नहीं। बालू कैसी हैं आप सिस्टर? तू आगे जाना, आता हूँ मैं पीछे। आप भी मर गया, क्या बोलूंगा आज मैं उनसे। लगता है मेरी बच्ची का आज स्कूल से पत्ता कट होने वाला है। डरो मत, सीधे खड़े रहो। आइए आइए, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना। अरे कम से कम कुर्सी तो बाहर लेकर आओ, खड़ी रहेंगे क्या? कुर्सी का पैर हिला हुआ है। दुकान की कुर्सी का पैर हिल रहा है, घर की कुर्सी का पैर हिल रहा है, पूरी जिंदगी हिली हुई है। हमारे पास बैठने के लिए वक्त नहीं है। उस दिन तुमने जो कहा था ना उसके बारे में बहुत सोचा। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपने इतना सोच लिया? यही कि एक नन को हर एक के लिए रहम दिल होना चाहिए। वो क्या है ना, जुबान में हड्डी नहीं है। देखिए जो भी हो, उस दिन आपने जो कहा उसने मेरे दिल पर जख्म कर दिया।
बाइबल में लिखा है, इंसान को इस धरती में ऊपर वाला साफ दिल के साथ भेजता है। सारी समस्या यहाँ इंसान खुद पैदा करता है। उसी तरह ये स्कूल फीस भी इंसानों का ही बनाया हुआ है। इसीलिए तीनों बच्चों की स्कूल फीस हमने स्कूल फंड से निकाल कर भर दी है। कल से आप कमला को स्कूल भेज दीजिए। आप गलत मत समझिए, कुछ दिनों से हम परेशान हैं, इसीलिए फीस नहीं भर सका। लेकिन मेरी बच्ची की फीस आप लोग भरें, ये भी मुझे मंजूर नहीं। देखा देखा इनका बड़प्पन। हे, तू चाय क्यों नहीं बना रही है? दूध नहीं है घर में, दूध नहीं है, ब्लैक टी भी चलेगी। ब्लैक टी लेके आजा। शक्कर भी नहीं है, थोड़ी शुगर है मुझे, चाय में शक्कर नहीं चाहिए। चाय में भी शक्कर नहीं है, घर में भी शक्कर नहीं। क्यों बालू, आप अपने पुराने फ्रेंड से मिले? पुराना फ्रेंड? आप और सुपरस्टार बचपन से ही दोस्त है ना? आपकी दूसरी लड़की ने अपने क्लास टीचर को बताया और उन्होंने हमें बताया। नहीं ऐसा कुछ। फिक्र मत कीजिए, ये बात हम स्कूल में और किसी को भी नहीं बताएंगे। कुछ भी हो, आप बहुत बड़े इंसान हैं। उतना बड़ा सुपरस्टार आपका बचपन का दोस्त है। ये बात आपने कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं बताई ना, वही आपके बच्चों की स्कूल फीस भर देते। लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ। मैं जानती हूँ तुम इससे इनकार करोगे। आते समय मैंने गाड़ी में आप लोगों से क्या कहा था, बालू कभी भी अपना बड़प्पन किसी को नहीं दिखाते। कुछ ही दिनों में हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है और उसी दौरान इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे गांव में आया हुआ है। मिस्टर बालू, आपको हमारे लिए सिर्फ एक काम करना है, किसी भी तरह सुपरस्टार को हमारे स्कूल के फंक्शन में लाना होगा। मैं उन्हें किसी भी फंक्शन में नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते, क्या परेशानी है? इनकी तो यही आदत है, कुछ भी कहो तो डरते रहते हैं। ये नहीं लाएंगे तो मैं उन्हें ले आऊंगी। तुझे पता है तू क्या कह रही है? हाँ पता है, सीधे सुपरस्टार के पास चली जाऊंगी और कहूंगी आपके पुराने दोस्त की बीवी हूं और आपको स्कूल के फंक्शन में आना है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें जरूर लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू सिस्टर। चाय लीजिए। नहीं शुक्रिया, चलते हैं। शुक्रिया। हे, तू सठिया गई है क्या? आपको अपने बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्यारी है या अपनी झूठी इज्जत? क्या हुआ, आप उन्हें लाएंगे या फिर मैं लेकर आऊं? ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, यही अच्छा रहेगा। मरवाएगी। अरे सुनो, तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? इतने दिनों से गेस्ट हाउस को घेरे हुए हो जैसे अंदर कोई चोर छिपा हो। हम मालिक हमारे गांव में पहली बार आए हैं, है? हम उन्हें एक नजर देखे बिना यहाँ से कैसे जाएंगे सर? ये बात है, वो एक बार आकर हमें सिर्फ अपना हाथ दिखा दे या फिर उंगली दिखा दे, वो भी मालिक काफी है। होगा। वो नहीं हो सकता। अरे रे 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 रे, इतनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है पूरा देश यहाँ जमा हो गया है। वो सच में बहुत बड़ा इंसान है, इतनी भीड़ के बीच में जाकर मैं उसे कैसे परमिशन लूं, मेरी बीवी के साथ उसका फोटो निकालूं? मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। मिस्टर सूर्य। अरे छोटे, इन सबको पार करके अंदर पहुंचाने का आइडिया है मेरे पास। हाँ? हाँ? बोले तो मैं अपना आइडिया बताऊं? बता ना। आपने सब्र तो बिल्कुल नहीं है, वो सामने दीवार दिख रही है। बाप रे। आप बस एक बार उसे पार कर जाइए। हाँ? किसी भी तरह छलांग मार के दीवार के उस पार अगर पहुंच गए, हाँ? आप सुपरस्टार से पक्का मिलेंगे। हाँ? हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया, आज से तेरा पगार दुगना। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यार ये कितनी ऊंची दीवार है, दूर से देखा तो ये मुझे छोटी लगी, पास आके देखा तो ये चाइना वॉल जितनी विशाल है। अब मैं उस तरफ कैसे जाऊं? बम्बू। अब देखो मैं सुपर स्टार से कैसे मिलता हूँ। चलो चलो चलो, हटाओ इसे, हटाओ हटाओ, चलो जल्दी करो। ये दीवार क्यों चलने लगी? हटाओ, ले चलो, वो छोटी की दीवार है। आ मैं गया। अरे नालायक तीन फुटिए, तूने कहा कि मैं सीधा उन तक पहुंच जाऊंगा, मुझे गलत आइडिया देकर कलर के डब्बे में गिरा दिया। कोई बात नहीं, कलर का कुआं था इसलिए जान बच गई, मैं जमीन पे गिरता तो बिना हनीमून के मेरी बीवी विधवा हो जाती। सर, यहाँ गेस्ट हाउस के पास हजारों लोगों की भीड़ जमा है सर, अगर आप एक बार हाथ हिला दें तो आधे से ज्यादा कम हो जाएंगे सर। आधे से ज्यादा लोगों को तो आप पहले ही मारकर भगा चुके हैं। पुलिस फोर्स सैकड़ों में है, भीड़ हजारों में है, अगर हम यहाँ नहीं होते सर तो आप एक दिन की भी शूटिंग नहीं कर पाते। मानता हूँ कि आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने के लिए कम से कम लाठी चार्ज मत कीजिए। विल डू आवर बेस्ट सर।
एक तो अपने हाथ पर है, समझा? सर, अशोक, अशोक जी, अशोक मैं तेरा दोस्त मालूम। सुपरस्टार मालिक, जरा सामने आओ मालिक, हम दूर से आए हैं मालिक, आपसे मिलने आए हैं। चुप करो, चिल्ला क्यों रहे हो? हम 3 दिन से यहाँ सड़ रहे हैं मालिक, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं मालिक, मेरे साथ जंगल के सारे आदिवासी आए हैं, हमारे भगवान से मिलना है हमको मालिक। ठीक है, चिल्लाओ मत, वो बालकनी में आकर अपना हाथ लाएंगे, उसे देखकर तुम लोग चले जाना। नहीं चलेगा मालिक, हमारे मुखिया उन्हें एक तोहफा देना चाहते हैं, समझे क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, चलो जाओ। चाहे कितने भी दिन लग जाए, दिन रात यहीं पर रहकर हमारे भगवान से मिलकर उन्हें उपहार दे के ही जाएंगे, जब तक हिलेंगे नहीं। यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, हाँ बोल देते हैं पहले। दीदी उधर देखो, क्या हो रहा है? वो सुपरस्टार उसी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, उत्सव जैसा लग रहा है ना? वो यहाँ क्या है? इस खुशी में सारा गांव दिवाली मना रहा है, आज तक हमने उन्हें कभी नहीं देखा। पता नहीं पापा उनसे कब मिलवाएंगे। सर किसका इंतजार कर रहे हैं? जापान से कुछ फैंस आने वाले, फोटो खींचने। सर शूटिंग खत्म होते ही मेरे साथ भी उनका एक फोटो निकलवा दो, पर्दे की इज्जत बढ़ जाएगी। वो बाद में देखेंगे। जी हटो हटो, गेस्ट आ रहे हैं, चलो जाओ। आइए आइए। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मालिक आ गए, मालिक आ गए। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज सिट डाउन प्लीज। देवता, अरे फिल्मों के देवता, हमसे भी मिल लो। चंद्रमुखी सर, सुपर्ब सुपर्ब। थैंक यू, थैंक्स सर। हाँ कुछ आदिवासी लोग आए हुए हैं, आपकी शूटिंग देखकर आपके साथ फोटो खिंचवाना। ओह श्योर, मैं बुलाता हूँ। ओके सर, ओके। नेपाल तो निमोनो मिनी समागा देशी के देशो। अरे मोहन भाई सर, इन सबको जापानी टी पिलाओ। अरे ये कैसा नियम है, विदेशियों को सीधा अंदर बुला लिया और देशवासियों को अंदर ही बुलाने का रह गया। अरे आप हमारे माई बाप को मालिक, हम पर भी ध्यान दो। सुनो, किसी भी तरह उन्हें यहाँ से भगाओ। अरे हमें भी बुला लो। रात का बजाकर सबकी नींद खराब कर दी है। सर उनको ऐसे नहीं भगा सकते हैं और ना ही कोई चार्ज लगा सकते हैं सर, वो सब आदिवासी है सर। साहब को मना करके किसी भी तरह इनसे मिलवा दीजिए, जब तक अशोक जी आकर इनसे नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ ना कोई चैन से सो सकता है और ना ही रह सकता है, ये याद रखिए। हमारी बात जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ, उनमें से किन्हीं 4 आदिवासियों को अंदर भेज दो। सुनो, तुम में से किन्हीं 4 आदमियों को अंदर बुलाया है? रुको रुको, धीरे धीरे, ये बंदूक लेकर अंदर नहीं जा सकते। चुप रहो मालिक। अरे कोई बात नहीं सर, उन्हें अंदर आने दो। ठीक है ठीक है, जाओ दर्शन करने क्या क्या मिल गई रे, चलो। अरे भगवान आपका भला करे, आपकी वजह से हमको उनको मिलने का मौका मिला रे, चलो अंदर। अरे मालिक, अरे सुपरस्टार मालिक, हमारे भगवान देवता हो, देवता आप हमारे देवता, देवता हो देवता। बस 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 करो, बस करो, शांत हो जाओ। अरे मालिक कैसे हो? अरे आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, आइए बैठिए। भगवान हमें पास में बिठाना चाहते हैं पर हम कैसे बैठे मालिक? आपको एक छोटा सा उपहार देके यहाँ से चले जाएंगे मालिक, आइए बैठिए। अरे मालिक ने बैठने को बोला, सब लोग बैठ जाओ रे। पूरी बात समझा लेना। ये लो मालिक, ये क्या? निवेदन पत्र है मालिक। मैं कोई मंत्री हूँ जो मुझे ये सम्मान दे रहा है? मैं तो एक्टर हूँ। ये मंत्री को देने वाला सम्मान नहीं है मालिक, ये तो आपके लिए है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है पढ़ के सुना। मालिक पूछे तो बताना। मालिक बहुत सालों पहले हमारे दादा MGR जी ने एक फिल्म में हमारे जैसे आदिवासी बनकर गाना गाया था मालिक, उसकी वजह से हम आदिवासियों की इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन आजकल आदिवासियों को कोई याद नहीं करता मालिक। इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान थे। मालिक ये बात तो सच है, लेकिन उनके बाद आप ही हमारे भगवान है। मालिक
आपके पास एक फिल्म में आप आदिवासी बनकर सिर्फ एक गाना गा दीजिएगा मालिक, दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी मालिक, हमारे समुदाय का नाम भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। इतना ही नहीं मालिक, आपकी फिल्म ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, अमेरिका सब जगह पर बहुत अच्छी चलती है मालिक। आप हमारा पोशाक पहनकर अभिनय करेंगे तो हमको सब जानेंगे मालिक। वैसे भी हमारे आदिवासी अब लुप्त हो रहे हैं मालिक, लेकिन आपकी एक कोशिश से पूरी दुनिया हमको जानने लगेगी मालिक। ठीक है, आप लोगों की इच्छा है तो मैं कोशिश करूंगा। अच्छा आप लोग कुछ नहीं। अरे मालिक आपका दर्शन हो गया, यही बहुत है मालिक। मालिक सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। हमारा पोशाक तो सीएम भी पहन चुके हैं, अब सुपरस्टार भी पहनेंगे, क्या बात है। अरे क्या हो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, बाद में ओहो पूछो। तुम तो एबीसीडी पढ़े लिखे नहीं हो, फिर तुम तक उनकी न्यूज करेक्ट टाइम पर कैसे पहुंच जाती है। हम नेट पे देखते हैं मालिक। कौन से? चिड़िया पकड़ने वाले नेट पे देखते हो? इंटरनेट पे। ये डाल्टा का डब्बा तुम लोगों का लैपटॉप है क्या? नहीं, ये देखो टच फोन, देखो देखो देखो, इसमें वेबसाइट भी है www.ashokumar.com। सुपरस्टार ने इस गाँव में अपनी शूटिंग मेरे पति से मिलने के लिए ही रखी है। इतने बड़े सुपरस्टार से तुम्हारे आदमी की कैसे जान पहचान हो गई? कैसे पहचान हुई? वो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक बार सुपरस्टार का पैर फिसला और वो पानी में गिर गया, उसे मेरे पति ने ही तो बचाया था। ऐसे किस्से तो वो हमें सुनाते ही रहते हैं। क्या कहा, तुम्हारे पति ने कॉलेज में पढ़ाई की है? और नहीं तो क्या, मेरी लड़की 10वीं में है, उसे उसका सारा लेसन यही तो करवाते हैं। बालू को देखकर लगता तो नहीं है कि वो इतना बड़ा इंसान होगा। तुम्हारे पति की अशोक कुमार से इतनी अच्छी जान पहचान है, तो वो फिल्म लाइन में क्यों नहीं है? अब मैं क्या बताऊं बहन, अशोक कुमार मेरे पति को ये बात कह कह कर थक गए। मेरे पति ने कहा उन्हें पराई लड़कियों का हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मना कर दिया। उन्होंने तो पैसों की गड्डी रख दी थी सामने। हाँ। अरे रे, मुझे नहीं चाहिए ये सब, ये कहकर वहाँ से निकल गए। तेरे आदमी ने नोटों की गड्डी को बेकार में ही ठुकरा दिया। अगर उनका कहा मान लिया होता तो नोटों का ढेर लग जाता और पता नहीं आज कहाँ होते। कैसा इंसान है तुम्हारा पति। एक बात अगर औरत के कान में पड़ी तो समझो पूरे गांव में फैल गई। साइड साइड रास्ता छोड़ो, चलो हटो। हाँ। जल्दी जल्दी चलो। ये क्या? अरे अरे क्या कर रहे हो, इसे क्यों उठा रहे हो? अरे सुनो, मेरी कुर्सी कहाँ गई? सुनो, अरे अरे वो कुर्सी मेरी रोजी रोटी है भाई। अरे सुनो, ये कुर्सी बहुत दिनों से चाहता था ना, अब तेरी किस्मत बदल गई है। ये वही जापान वाली कुर्सी है और अब ये तेरी है, तेरे लिए खास मंगवाई है। तू और तेरे बच्चे इससे अपनी परंपरा को जिंदा रखना, और इतना ही नहीं ये तो तेरे पड़पोते तक चलेगी। मैंने कहा क्या? ये सारी चीजें मैंने तुमसे मांगी क्या? बिना मांगे देना हमारे सेठ जी की आदत है। सब क्या करूं? मालिक, अरे इस कुर्सी का क्या करूं? अरे उठा के बाहर फेंक दे। ए, ए, मेरी कुर्सी। अरे मेरी कुर्सी। अरे रुक जा भाई, तेरे लिए नहीं है। अरे रुक तो सही, मेरी कुर्सी क्या कर? अरे क्यों बिगड़ रहा है, पुराने सामान को साफ कर दे। अरे सुनो, और भी बहुत कुछ लाया भालू। ये देखिए, नई कैंची, नया उस्तरा, नया रेजर, नया पाउडर, फॉरेन पाउडर, ये फॉरेन का जेल। अभी तो शुरुआत है, आगे देख क्या क्या होता है। अब तो शुरुआत मेरी शेव करके कर दे, चल शाबाश शुरू कर। छोड़ो मुझे, मुझे मेरी पुरानी कुर्सी चाहिए। इसमें तेरा ही फायदा है, इनकी जो भी कीमत है थोड़ा थोड़ा करके चुका देना, और मुझे प्यार नहीं चाहिए। अच्छा तरीका है फंसाने का। ज्यादा बोलेगा ना तो लुंगी उठा के मारूंगा। अरे बाप रे, इन लोगों को हुआ क्या है? ए जाओ रे, सब बाहर जाओ ना। चलो जाओ। चल क्या रहा है? बहुत ही छोटी सी बात है, तेरे सुपरस्टार से मेरी जान पहचान करवा देना। ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। चिल्ला मत चिल्ला मत, धीरे बोलना। मैं अभी के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, कल मिलवा दे, परसों मिलवा दे, अगले हफ्ते मिलवा दे, या फिर जब तेरे पास टाइम हो तब मिलवा दे यार। मेरी बात को भूल मत जाना मेरे बालू भाई, और याद रहे ये जो सामान मैंने दिया ना, इसका आराम से इस्तेमाल करना। हाँ सेठ, किसी तरह बालू को पटा कर फिल्म के लिए सुपरस्टार को राजी करवा लो। क्यों मिस्टर बालू, आप सुपरस्टार अशोक कुमार से मिले या नहीं? आप स्कूल फंक्शन के बारे में बात करने वाले थे। आपकी तरफ से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है, इसीलिए हमने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई है। इतना ही नहीं, हमने ये भी सुना है कि अब वो यहाँ सिर्फ 20 दिन के लिए रुकेंगे। आप कर क्या रहे हैं?
हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, खामोश रहने से काम कैसे चलेगा? आप लोगों को और कोई नहीं मिला क्या? हमारे स्कूल के इतने बड़े फंक्शन के लिए आप एक एक्टर को बुलाना चाहते हैं? फिर आप बताइए हम किसे बुलाएं? सुनो सर जी, कब किस वक्त किसे बुलाना है ये हम जानते हैं। ठीक है मिस्टर बालू, आपकी वाइफ ने हमसे प्रॉमिस किया था कि स्कूल फंक्शन में आप उस सुपरस्टार को ले आएंगे, तो अभी आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? कुछ तो जवाब दो, उन्हें ला पाओगे या नहीं? बताइए बताइए सर। इतनी पब्लिक और इतनी पुलिस है यहाँ पे, इनको लांग कर मैं कैसे पहुँचूंगा? अंदर शूटिंग चल रही है, सभी लोग शांति से खड़े रहो, अगर कोई भी चिल्लाया तो टांगे तोड़ दूंगा। चंद्रमुखी पार्ट 2, 25x1, टेक 1। इस महल में प्रवेश की किसी को अनुमति नहीं है, जो भी आएगा उससे मैं यही काट दूंगा। काट। ओके ब्रेक। यहाँ नाग मंदिर का नागराजन अंदर है, जा मिल लो। ए, अरे जल्दी से सब्जी तरकारी काटने को बोला तो तू सेल फोन में क्या घुसा पड़ा है? अरे जल्दी करो भाई, अपनी बॉडी मत दिखाओ, जल्दी नारियल छिलो वरना तुम्हारी बॉडी छील के रख दूंगा। अरे बाप रे, ये यहाँ क्यों आया? मुझे इस हाल में देख लेगा तो क्या समझेगा? मिस्टर नागराजन नाग मंदिर वाले। आखिर पहचान ही लिया, यहाँ क्यों आयो जल्दी बोलो। मैं और सुपरस्टार 30 साल पुराने फ्रेंड हैं,
हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुरेश ए मुत्तू, इसकी बात सुनो, सब लोग उठो, इसकी बात सुनो यार। ये बोल रहा है कि ये अपने सुपरस्टार जी का 30 साल पुराना दोस्त है। इधर आओ, सुन लो भाई, इसकी बात सुन लो। अरे आप खड़े क्यों हो सुपरस्टार के फ्रेंड? यहाँ बैठिए ना, इसके अंदर बैठ जाइए, ये बहुत गर्म है। ए, कभी वैसे हंस बनने की औकात नहीं है, सुपरस्टार का फ्रेंड हूँ। तू बस ड्राइवर बोलता तो भी मैं मान लेता। इन्हें अपने पुराने सुपरस्टार से मिलना है। अच्छा? अपने पुराने फ्रेंडशिप को रिन्यूअल करना है, उन्हें ऐसे गले लगाना है और भीख में जो नोट मिलेंगे उसे लेकर सीधे निकल जाना है। अबे तेरे जैसे फेकुचन डेली सोप में बहुत आते हैं, अगर दोबारा यहाँ दिखेगा ना बहुत मारूंगा। ओए चल निकल, निकल यहाँ से। बाहर खड़े होकर देखने की औकात नहीं है और चूहे की तरह घुस के अंदर आ जाते हैं सीधे, बेशरम लोग। अरे सुपरस्टार के साथ पढ़े हुए कलेक्टर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जज उनसे मिलने नहीं आते, और यह बोल रहा है कि मैं उनका 30 साल पुराना दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। अरे हम लोगों को क्या पागल समझ के रखा है क्या तूने? अबे जाके कैची लेकर पेट पालने की सोच, अपनी सड़ी सूरत लेकर यहाँ फिर कभी मत आना, समझा? चल निकल यहाँ से, जा जा। भाई दूध रेडी है ना? हाँ हाँ, पूरे 50 लीटर। चलो उठा लो। अंदर अपना काम धाम छोड़ के बाहर किसे देख रहे हो? मालिक ये शूटिंग की गाड़ी है, सीधे गेस्ट हाउस जाएगी, आप किसी तरह इस पर चढ़ जाइए, बस आप एक झटके में सुपरस्टार के सामने होंगे। जरा ये दे तो। उस दिन तेरा आइडिया सुनकर कुएं में गिरा और मरते मरते बचाऊ, आज फिर एक नया आइडिया देके मेरी जान लेना चाहता है। मालिक मेरी बात पे भरोसा करो और निकल जाओ। सच कह रहा है? अरे मान जाइए ना, अब क्या लात मार के मनवाओगे? बात तो सही बोल रहे हैं। ये ले ले जाओ, ये भी ले जाओ। इस बार मुझे किसी भी तरह सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। हाँ शाम को वापस आएंगे, तैयार रखना। हाँ हाँ, किसी भी तरह मेरी सोना का सपना पूरा करना ही होगा। हे भगवान, किसी भी तरह सुपरस्टार के साथ फोटो निकलवा दे। बाय, सी यू। कामयाब हो गया ना? मैं अंदर आ गया, मैं अंदर आ गया। कूद जा बेटा सूर्या। अरे बंगला, ये तो बहुत दूर है, इससे अंदर जाता हूँ। लगता कोई आ रहा है। क्या हुआ, कोई दिख नहीं रहा है? नैन तारा कितनी खूबसूरत है। अरे सुपरस्टार कहीं नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शूटिंग के लिए जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ लग जाता हूँ। जल्दी चल, जल्दी चल। हाँ मैं एक बार आपसे मिलना है मालिक।
और क्या? बाप रे। ला दे दे भाई। सुपरस्टार भी शूटिंग के लिए यही उतरते होंगे। हे भगवान, किसी भी तरह मेरी बीवी का उनके साथ फोटो निकलवा दे भगवान, फोटो निकलवा दे। ऐसा क्यों लग रहा कि इस जगह को मैं पहले से जानता हूँ? तुम, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान पर नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? दुकान पे? इस सैलून का मालिक है सनू सूर्या। अरे बाप रे, मेरी ही दुकान है। अरे मैं आके अपने इलाके में उतर गया, अब क्या करूँ? किसी काम के नहीं हो। ये क्या है जी, आप ये सरदर्द और बुखार लेकर क्यों बैठे हैं? बुखार अचानक ही आता है, अगले हफ्ते आ रहा हूँ ऐसा थोड़े ही बताता है। नहीं, डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे पता है कि वहाँ जाकर क्या होगा। इंग्लिश दवा से मुझे कोई फायदा नहीं होता, जैसे आया चला जाएगा। ठीक है, एक गोली दे देती हूँ, इससे सब ठीक होगा। इसे पानी के साथ अभी ले लीजिए। देवी, तुम मेरी एक बात मानोगे? आज तक मैंने आपकी कभी भी कोई बात टाली है क्या? क्या बात है, कहिए ना मुझसे। जब तक शूटिंग इस गांव में खत्म नहीं हो जाती तब तक हम लोग कहीं और छुप करके रहे तो कैसा रहेगा? तो फिर हमारी बकरी मुर्गी सब? जाने से पहले उनकी बिरयानी बना लेंगे, ठीक है? बात तो सही है, लेकिन हम जहाँ भी जाएंगे लौटकर यहीं आना पड़ेगा ना, और यहीं के लोगों को अपना मुंह दिखाना है। मैं तुम दोनों की दोस्ती के बारे में बहुत बढ़ाई कर चुकी हूँ, कल ताने देंगे, बस मुझे इस बात का डर है। ऐसे कैसे यार, एक गाड़ी आने में इतना लेट कैसे हो गया? सबको रास्ता तो पता है ना? मोहन राव, ये अंदर इतना शोर क्यों मचा हुआ? सबकी गाड़ी लोकेशन से यहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन हीरोइन नहीं आई। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आगे ले, गाड़ी का जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, लगा, रोक, रुक जा। बालू, तुम सुपरस्टार से मिले क्या? मेरे बारे में बात की क्या? अब बता ना कितना एडवांस मांगा, अभी देता हूँ। मैं बस उनसे मिलने ही जा रहा था कि भीड़ ने रोक दिया। मतलब तू मेरे बारे में बात करने जा रहा है? एक बार मेरी मुलाकात हो जाए फिर आपसे मिलवा दूंगा, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। अगर वो नहीं माने तो भी आपका कर्जा चुका लूं। कुर्सी के पैसे थोड़ी मांगने आया हूँ। तू तो बस वो शीट, अथू, अरे कौन सी शीट है यार? अरे उसे कॉल शीट बोलते हैं। बस तू मुझे एक बार कॉल शीट दिलवा दे यार। तुम अपने अरे क्या कर रहे हो? इसे उठाइए और गाड़ी में डालिए, यहाँ से सीधा गेस्ट हाउस चलते हैं, वहाँ सुपरस्टार से बात करते हैं, कहानी रेडी है, शूटिंग शुरू करते हैं, इसे लेकर चलो, चलो चलते हैं। मुझे क्यों ले जा रहे हो? मुझे बहुत काम है। अरे पहले मालिक का काम कर, उसके बाद घर जाना। उसे पकड़ के रखना, भागने मत देना। आप चला चला सीधा वहीं रुकना। चलो सर, आपको मास्टर रिहर्सल के लिए बुला रहे हैं। सुन, सामने जो बैठा वो खानदानी फाइटर है, तेरा मास्टर डुप्लीकेट है, तो बस एक बार सीन समझा देना, मैं कर लूंगा, चल जा। सर सीन ऐसा है कि उसमें हीरो आपको घुमा घुमा के मारेगा। अच्छा, अपने हीरो को बोल मुझसे रियल फाइट करके देखे तो मजा आए, चल। क्या बात है, ऐसी भीड़ अगर क्लाइमेक्स में मिल जाए तो मजा आ जाए, हेलीकॉप्टर से शॉट लेना पड़ेगा। ये आप लोग मुझे कहां लेकर आए? मैं यहीं रुकता हूं, आप लोग जाइए ना। टाइट पकड़ के रखना, उसे छोड़ना नहीं कोई भी। हमारा मेन सिक्का तो यही है। अरे यहाँ पब्लिक बहुत है यार, हटो सब लोग, हटो ना, हट जाओ, रास्ता दो, हटो, चलो, हटे, तुम लोग फिर से आ गए हैं? एक बार में बात समझ में नहीं आती। अरे बाप रे, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? सुपरस्टार से मिलने के लिए हमारे बासी सेठ फिर से यहाँ आए हैं। बासी सेठ नहीं, बासू सेठ बोलना। किसी भी तरह घुसता हूँ, फोटो तो निकालना ही है। पहचानते हैं ने? जानते हैं कौन है ये? ये सुपरस्टार जी के फ्रेंड हैं, हम इनके साथ उनसे मिलना चाहते हैं। अरे हमारे मालिक सुपरस्टार से मिलना चाहते हैं, चलो। सुपरस्टार ने बुलाया क्या? वो क्यों बुलाएंगे, ये उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुम क्यों बीच में आ रहे हो? अरे इनसे क्या सवाल लड़ा रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, चलो। सर आप हमें मत रोकिए सर, हम बहुत अच्छी हिंदी फिल्म बनाने जा रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, फिल्म को डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, फिल्म की कहानी उन्हीं पर लिखी गई है सर, इसीलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या सर, हम इतना समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मालिक लगता है रिश्वत खोर है, इसे पैसे देकर अपना मामला सेट कर दे। जो ज्यादा बोलता है वो यहाँ ऐसे ही डंडा खाता है। सर शॉट रेडी है, डायरेक्टर बुला रहे हैं, आप कॉस्ट्यूम पहन लीजिए। अरे आ रहा हूँ ना। सर हीरो आ गए, पहन लीजिए।
कहाँ आ रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आता, चल भाई यहाँ से। रख दे यार इधर। अरे बाप रे, सुबह से 12 बार टॉयलेट जा चुका हूँ, ये मैं उन्हें कैसे बताऊँ? जल्दी मैं क्या करूँ, सारे दरवाजे बंद है। ये फिल्म वालों का ड्रेस है, इसे मैं पहन लेता हूँ। एक्शन। मैं कहाँ जाऊँ, पता नहीं वो कहाँ है। मास्टर, ये वही शाना है जिसने आपको डुप्लीकेट कहा था। ओ, तो वो ये है क्या? फाइटर। हाँ सर। मास्टर, रिहर्सल के नाम पर इसके साथ रियल एक्शन करो। हाँ ठीक है मास्टर। सेम ड्रेस, इनके साथ जुड़ जाता हूँ। सर सर सर, आप ही वो खानदानी फाइटर हैं? खानदानी फाइटर? खानदानी खानदानी। मास्टर आपका कब से वेट कर रहे हैं? मास्टर, मास्टर मेरे लिए। मैंने क्या किया? तो फिर एक टेस्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, शुरू हो जाए, बातों में वक्त गंवाने का क्या मतलब है। तेरी इतनी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाएगा? मार के रहे, मुझे मार करो ना। इसीलिए मेरे इंतजार कर रहे थे। अरे छोड़ो छोड़ो, कहाँ फेंक रहे हो? अरे बाबरे बचाओ, साहब के पास कोई आया है, पकड़ो उसको। ए रुक जाओ, कौन हो? ए वन सेक, देख लिया, मैंने देख लिया, छू लिया। अरे वाह, वही मुंह, वही चेहरा, वही मुंह, वही स्माइल, वही हाथ, वही पैर, वही स्टाइल। अरे वाह, मैं हूँ। अरे तूने देख लिया, यकीन क्यों नहीं हो रहा? यकीन कर। अरे तुम बात किससे कर रहे हो? सर मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, आपको आपकी फिल्म में देखने के लिए सुबह 6 बजे लाइन में जाकर खड़ा हो जाता हूँ। आपको अपने सामने देख लिया, मेरा सपना पूरा हो गया। ठीक है, तुम्हें चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक सलून है, मेरा नाम सूर्या है। अरे सूर्या सर, एक बार आओ, नाम लो ना सर। सूर्या सर, एक बार आओ, नाम लो ना सर। सूर्या सर, मेरे दुकान के साथ मेरा नाम बोलो सर। सैलून का मालिक सूर्या। बोल दिए। यहाँ क्यों आए हो? है ना, जब तक मेरी बीवी आपके साथ फोटो नहीं निकाल लेती तब तक वो मुझे प्यार नहीं करने देगी सर। ये क्या कह रहे हो? हकीकत है, आपके एक फोटो के खातिर मेरी प्यार की गाड़ी अटक गई है सर। बस आपका एक फोटो मिल जाए, मैं छक्के मारूंगा। ब्रिंग योर वाइफ। घबराओ मत, मैं हूँ। ए मोहनराम, इसकी मिसेस को यहाँ बुलाओ और साथ में फोटोग्राफर को। लाओ। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद तुम लोग उसे लांग कर गेस्ट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लगता है तुमसे ही बात करनी पड़ेगी। हम तो वही कर रहे थे सर, जो हमारे मालिक ने कहा। अरे बेवकूफ, ये तो क्या बोल रहा है? हमारी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसकी है। सर हम लोग तो सिर्फ इनको हुक्म मानते हैं, ये हमारे मालिक है सर। सर हमारे सेठ को जवाब अंदर कर सकते हैं, हमारी औकात क्या है? लायक वो धोखेबाज हमें बीच में छोड़ के भाग गया और तुम लोग भी अब मेरे खिलाफ बात कर रहे हो। सर हमारे गाँव में एक बार्बर शॉप है जिसका मालिक पालू है, सुपर स्टार उसके साथ पड़ता था, तो उसने हमसे कहा कि हम उसके साथ चलेंगे तो वो हमें वो शीट दिखा देगा। अरे यार वो कौन सी शीट है? कल शीट मालिक वो लेटर लेने के लिए हम वहाँ गए थे सर, माफ कर दीजिए। ये कौन सी इंग्लिश है? डायरेक्टर इंग्लिश है सर। हाँ सर, मिस्टर अशोक कुमार के साथ पढ़ने का जो दावा कर रहा था वो कहाँ गायब हो गया? तुम्हें पकड़ते ही वो भाग गया था ना, अब तुम में से किसी ने भी उसे अपनी फ्रेंड के साथ मिलते हुए देखा है क्या? या फिर वो ऐसे ही पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहा है? नहीं सर। तो फिर तुम लोग उसकी बात पर क्यों यकीन करते हो? अरे हाँ सर, जब तक तुम जैसे बेवकूफ रहेंगे इसी तरह से लोग ढिंढोरा पीटते रहेंगे। आज के बाद किसी की भी बात पर बेवकूफ बनना बंद। नो नेवर नथिंग बिटवीन। थैंक यू सर। हाँ सर, यहाँ से। थैंक यू सर। चलो भाई चलो यहाँ से। ए बाहर निकल, जब पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो तू वहां से निकल लिया, तुझे शर्म नहीं आई? हाथू गौर से देखो। सुपरस्टार के साथ मेरा फैमिली फोटो देखो, मेरी किस्मत का खेल देखो, मालिक के साथ मेरा मेल तो देखो, वो कितने प्यारे से खड़े हैं देखो, जो मुझसे जल रहे हो यहाँ से निकल लो। हे देखो सुपरस्टार, गौर से देखो, उसके साथ ये देखकर शर्म आया तो अपना दुकान बंद कर लो। देखो ठीक से देखो, गौर से देखो सुपरस्टार के साथ मेरी बीवी सोना को भी देखो। सब लोग गौर से सुन लो, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी रिकमेंडेशन के मैं अकेले ही जाकर फोटो निकलवा आया। हिम्मत है तो तुम लोग भी निकलवाओ, वरना गांव छोड़ के भाग जाओ। मैंने खुद को साबित कर दिया।
देख 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 उसकी हैसियत ही क्या है, उसे जाकर फोटो भी निकलवा ली, लेकिन तू उसका फ्रेंड है और फिर भी हमारे साथ चीटिंग की। ऐ, इसे जितना भी सामान अंदर दिया ना सब निकाल। अभी लाता हूँ मालिक। जापानी चेयर, शीशा और सारा सामान लेके बाहर निकलो, कुछ मत छोड़ना। तुम्हारा किसी से ये मत कहते ना सुपरस्टार का फ्रेंड है, वरना मार्केट से बाहर निकलवा दूंगा तुझे। चल रहे गाड़ी निकाल, चल चल चल। ये तूने अच्छा नहीं किया, तुझसे होता तो हाँ कर देता, नहीं तो ना कर देता। हम इस पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल की है मालिक। अगर शराफत दिखाओगे तो जी नहीं पाओगे बालू। मैं जानता हूँ हो सकता है कि वो तेरा अच्छा दोस्त हो, लेकिन आज वो बहुत बड़ा आदमी है, उसे भूल जा बालू, भूल जा उसे। तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? सेठ जी ने तुम्हें जो नई कुर्सी दी थी वो वापस लेकर चले गए ना? हमारी पड़ोसन फातिमा ने मुझे ये बात बताई। उसे कैसे पता चला? उसके पति ने उसे बताया, वो यहाँ आकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। देवी, तुम्हारे प्यार के बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया, सिर्फ तकलीफ दी। दुनिया से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों का सामना कैसे करें? तुम एक बड़े खानदान की लड़की हो, किसी ऊंचे खानदान में चली जाती तो हमेशा खुश रहती। जब से आपसे मेरी शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक मेरी जिंदगी का हर एक पल हंसी खुशी से ही बिता है, और आगे भी ऐसा ही होगा। आप जिस किसी हालत में रहेंगे मैं साथ रहूंगी। गलती मेरी है, मुझे कहने नहीं चाहिए था कि सुपरस्टार मेरा दोस्त है। कितना अपमान हुआ है, अब मैं लोगों से नजरें कैसे मिलाऊं, उस बाजार में कैसे जाऊं? अब वो दुकान ही बेच दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जो कुछ था सब फेंक दिया गया, जाकर भी क्या करूंगा मैं? आप जाकर दुकान खोलिए, हम बकरा मुर्गी सब बेच देंगे, जरूरत पड़ी तो मेरे गहने बेचकर नई कुर्सी लेकर आएंगे, ठीक है ना? लेकिन हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर काम करेंगे, सही कहा ना? बकरे की, मुर्गी की, सोने की सबकी कीमत होती है, लेकिन इंसान की कोई कीमत नहीं। बालू पिछली बार पेरेंट्स मीटिंग में बड़े बड़े वादे करके चला गया और दोबारा अपना मुंह दिखाने भी नहीं आया, और आप प्रिंसिपल होकर कोई फैसला नहीं ले पाए, पब्लिक को इंतजार करते हुए छोड़ दिया। फंक्शन नजदीक आ रहा है, अरे अल्टरनेटिव भी सोचना चाहिए कि नहीं? कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, वो इतना बड़ा सुपरस्टार, एक मामूली बाल काटने वाले इंसान की बात मानकर वो आएगा, ये हमें सोचना चाहिए था। अब ये सोचने से क्या फायदा बताओ, उस दिन जब मैंने कहा तो मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। एक्टर को ही यहाँ बुलाना है, ये कोई नियम है क्या? मान लो बालू जाकर उसके सामने खड़ा होकर पूछेगा कि हाँ मुझे पहचाना आपने, अशोक कुमार बोलेगा नहीं भाई मैं तो नहीं पहचानता। देखिए पैसा और इज्जत आने के बाद सब कुछ बदल जाता है, कोई किसी को नहीं पहचानता, दोस्तों दूर की बात है। तुम इतना बोल रहे हो, क्या तुम अशोक कुमार को यहाँ ला सकते हो? अब हंस क्यों रहे हो,
मेरी बात सुन के तुमने सवाल किया, अब जरूरी नहीं कि मैं उसका जवाब दूं। हम सोचते रह जाएंगे और वो शूटिंग खत्म करके यहाँ से चले भी जाएंगे। अब लगता है स्कूल की इज्जत मुझे ही बचानी पड़ेगी। ओके, हमारा स्कूल है, मेरे पहचान के एक मिनिस्टर हैं, उनसे कहकर मैं अशोक कुमार को इस फंक्शन के लिए बुला लूंगा। वो मंत्री की बात मानेंगे? अब मंत्री कहेगा तो कौन सा एक्टर नहीं आएगा बताओ। कमला, गीता, क्या बात है, शाम के 6 बज रहे हैं, तुम तीनों घर नहीं आकर यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? स्कूल में सभी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं माँ, पापा की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। सोच रही हूँ मैं प्राइवेट से ही 10वीं का एग्जाम दे दूँ, अब मैं वो स्कूल में नहीं जा सकती माँ। माँ, स्कूल में सभी पापा सुपरस्टार के दोस्ती का मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं वो सुपरस्टार तुम्हारे पापा को जानता तक नहीं। ठीक है, जो भी बातें करनी है घर पर करेंगे, अब चलो। ए, क्या हुआ, पापा को देखकर इस तरह से मुंह क्यों फेर लिया? पापा झूठे हैं। पापा चीटर है, हम इनसे कभी बात नहीं करेंगे। इन लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या? Useless people. What is this? भाई साहब, उन्हें मत रोकिए, उनको परमिशन मिली है, अंदर आइए ना प्लीज। देखा ना मिनिस्टर के एक फोन से क्या होता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर अशोक कुमार। आइए आइए, गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए ना। नमस्ते सर। नमस्ते। हम सेंट जॉर्ज। क्यों आए हैं मिनिस्टर साहब, ने फोन करके मुझे बता दिया, बैठिए। मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा। ये गोपाल कृष्णा जी हैं। नमस्ते। स्कूल के चेयरमैन हैं। ये श्रीनिवासन जी हैं, मैनेजिंग कमिटी मेंबर। अच्छा। पारस, पारस मैम, ये जो पीछे वो स्टंट वाले हैं क्या? ये ब्लैक कैट्स हैं, ओरिजिनल। आई सी। मिनिस्टर ने मेरे बारे में आपको बहुत कुछ बताया तो होगा, क्या है ना मिनिस्टर से बहुत क्लोज हैं हम। ये है सिस्टर मारिया। नमस्ते सर। आपसे मिलने का मौका मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। मैं नहीं हूँ, इनका भी नहीं हूँ, किसी का भी नहीं हूँ। आपसे मिलने के लिए स्कूल में हर कोई बड़ा ही बेताब है। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, पूरा गांव आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। बाय गॉड ग्रेस सर, शूटिंग के समय पब्लिक को यहाँ आने दिया तो माहौल बिगड़ जाएगा, और वैसे भी शूटिंग देखने के बाद फिल्म देखने का सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्या बोरिंग होता है, मैं मिनिस्टर के साथ वो कमल हसन की शूटिंग देखने चला गया था, मिनिस्टर तो वो कमल हसन का हाथ पकड़ के बहुत खुश हो गए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो बचपन से इनका शौक नहीं है। अच्छा, मैं क्या आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ? हाँ पूछिए ना। तुम एक्टर लोग कभी 3 महीने 6 महीने ये देश से वो देश जाते आते रहते हो वनवास के जैसे, तो आपको घर में कोई पूछने वाला होता है कि नहीं? तुम लोगों को इमोशन और रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मिस्टर पारस, खुशी और सुकून के बीच में थोड़ा सा फर्क है, खुशियाँ हमेशा आती रहती हैं, जाती रहती हैं, फिक्स नहीं रहती, जबकि सुकून हमेशा रहता है, घूमते फिरते रहने में सुकून मिलता है, बुजुर्गों का कहना है। Shall I ask you one thing? Do you know English? When intelligence talks, wisdom listens. Not bad. जब अकलमंद बात करते हैं तो बेवकूफों को सुनना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप लोग चाय कॉफी लेंगे? हेलो, कॉफी टी? हेलो अशोक कुमार, बोलिए। मेरी बात अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ क्यों आए हैं, स्कूल के बारे में बात करने आए हैं ना, तो वही बातें कीजिए। अरे रुकिए ना, मैं यहाँ इनसे बहुत कुछ पूछने आया हूँ। कभी कभार तुम लोग राजनीति में आते हो, कभी नहीं आते हो, अगर आना ही है तो सही ढंग से आना चाहिए ना, रटी रटाई राजनीति सीख कर सब हजम कर जाते हो और फिर ऊपर की पोस्ट पे चले जाते हो, कभी तो तुम देश का भला करो, सब हम ही करें क्या? अब ये बताओ मैं तुम्हारा फैन क्यों बनूं? ओह जीसस, मैं राजनीति में आऊं या ना आऊं इससे आपको क्या लेना देना, आप किसी काम से आए हैं ना, वो काम कीजिए और यहाँ से जाइए। आना चाहिए, तुम जैसे लोगों को राजनीति में आकर जानना चाहिए कि जनता की मांग क्या है, तुम सचमुच के हीरो हो कि नहीं ये तो हमें पता चले। मिस्टर पारस, मैं फिल्मों में जो कुछ भी कहता हूँ वो सब कुछ मुझे याद नहीं रहता, फिल्मों की स्क्रिप्ट किसी और की लिखी होती है, मैं तो बस बोल देता हूँ और आप लोगों को लगता है कि ये सब मैं कह रहा हूँ। मतलब यही ना कि तुम एक कठपुतली हो। मिस्टर श्रीनिवासन, प्लीज स्टॉप इट। आई एम अ सीनियर सिटीजन एंड अपॉन दैट आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यूथ इज आस्किंग टू मी। वो क्या है ना सर,
एक लड़की को आप पूछते रहते हो मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? You are spoiling the entire generation. Mind it. देखिए, मैंने कभी अपने आप को बड़ा समझा ही नहीं। फिर ये ब्लैक कैट्स किस लिए है? ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है ताकि यहाँ का माहौल ना बिगड़े। But for what? क्योंकि अगर मुझ जैसे लोगों को कुछ हुआ तो लोग तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा गाड़ देंगे। लुक, मैंने अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं दिया कि मुझे मिनिस्टर ने कहा। आपके स्कूल की रेपुटेशन अच्छी है, मैं खुद उसे देखना चाहता था इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट दिया। मोर ओवर इज, मैं यहाँ शूटिंग करने आया हूँ और वो मेरा काम है। ऐसे बेकार के लोगों को जवाब देना मेरा काम नहीं है। ओह नो, इनकी बातों का बुरा मानकर हमें मना मत कीजिए। स्कूल के सारे बच्चे आपसे मिलने की तमन्ना रखते हैं। आपकी बात सही है, माना कि आपकी स्कूल के सैकड़ों बच्चे मुझसे मिलने के लिए बेताब हैं। पर एक बात जान लीजिए, फिल्म अच्छी रही तो सभी लोग जाकर देखेंगे, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो अशोक कुमार के होते हुए भी कोई देखने नहीं जाएगा। ओके, सी स्टारडम और हीरोइज्म पाने में सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती, राइटर काम करता है, डायरेक्टर काम करता है। वो जो कैरेक्टर देते हैं मैं बस उसे निभा देता हूँ। पूरी फिल्म बस उन लोगों की बदौलत बनती है। मैं तो बस आप लोगों की तरह मामूली सीधा साधा इंसान हूँ। मुझे खुशी होती है, दुख होता है, गुस्सा भी आता है। ये इन लोगों को कौन समझाए? आपने कहा आप कमल हसन की फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गए और थोड़ी देर में बोर हो गए, लेकिन उसने कमल हसन बनने के लिए कितनी मेहनत की है ये आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप जैसे लोग उन्हें अपनी सर आंखों पर बिठाते हैं तो मुझे ये बताइए कि इसमें उनकी गलती क्या है? आपको लगता है हम टाइम पास करके करोड़ों कमाते हैं और उसकी इज्जत नहीं करते? सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। इसमें माफी की क्या बात है? मुझे बस ज्यादा घमंडी लोग पसंद नहीं है और ना ही ज्यादा बोलने वाले लोग। यही बात मुझे अमिताभ बच्चन ने एक बार कही थी जब मैं मुंबई गया था। जब भी मैं वहां जाता हूं तो वो मुझे गाड़ी में लेके आते हैं, वो भी जया भाभी के साथ। अगर इसके बाद उन्होंने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो अपनी बेइज्जती की जिम्मेदारी खुद ही होंगे। क्या क्या मिस्टर श्रीनिवासन, आप जरा यहाँ आइए। चलिए चलिए सर। नहीं, क्या क्या? आप मेरी बात मानेंगे? मैंने कुछ गलत किया? मिस्टर श्रीनिवासन, आप जरा गाड़ी में बैठिए। शाहरुख खान का फोन है। हेलो शाहरुख खान, क्या पैसा कम पड़ गए? डोंट वरी, आई विल मैनेज। एक्सट्रीमली सॉरी सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे लोगों को कहीं साथ लेकर ना जाए। सुनिए सर, आप जैसे बड़े कलाकार को देखते ही वो खुद को आपसे बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी इस हरकत की वजह से आप हमें इनकार मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं फंक्शन में आऊंगा, लेकिन फंक्शन के समय ये आदमी मेरे सामने नहीं आना चाहिए, वरना मेरे अंदर का हीरो आज भी जिंदा है। नहीं आएंगे सर, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सर, 15 को शूटिंग खत्म हो जाएगी, आप 16 को फंक्शन रख लीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो, ये गेस्ट हाउस है ना? जी हाँ। मैं मयूर गांव से बालू बोल रहा हूँ। क्या चाहिए आपको? मैं सुपरस्टार से बात करना चाहता हूँ। आप उनके रूम में ट्रांसफर करेंगे क्या? किस लिए? उनसे कहिए बालू का फोन है, वो मुझे जानते हैं। गांव में किसी को भी पता ना चले इसलिए मैं बाहर आके फोन कर रहा हूँ। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं। बार बार श्रीनिवास का नाम लीजिए, फिर वो जरूर पहचानेंगे। जरा रुकिए। हाय भगवान, एक बार फोन उठा ले और मुझसे बात कर ले। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, मैं बालू। आपको याद है ना, 30 साल पहले हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं SP सिंधनाथन बोल रहा हूँ। सुपरस्टार जी मेरे साथ पढ़े हुए हैं, अशोक जी से बात करा दीजिए सर प्लीज। कहाँ का रहने वाला है? तू जानता है तू क्या कह रहा है? फोन रख। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए जी, और अब आराम से सो जाइए। आंखों से जैसे नींद ही गायब हो गई है। जब जेब में पैसे नहीं थे तो आराम से सोता था, लेकिन एक बड़े आदमी के रिश्ते ने मेरा सुकून ही छीन लिया है। इस बात से बेखबर वो आराम से सो रहा होगा। ये लाइट बंद कर दो देवी। फंक्शन का रिबन कौन काटेगा मैडम? पंचायत बोर्ड का प्रेसिडेंट या चर्च के फादर? गोपाल सर, रिबन कटवाने का जिम्मा आपका है। गुड मॉर्निंग। अशोक कुमार जी के आते हैं, उन्हें कुछ भेंट करना है क्या? कोई जरूरत नहीं है, अपनी कार से उतरते ही वो सीधे स्टेज पे जाएंगे। फंक्शन खत्म होते ही नाश्ते का इंतजाम कर देना। ओके माँ, आप इतना ज्यादा आयन क्यों कर रही हो? माँ, लेट हो गई तो सुपरस्टार फंक्शन खत्म करके चले जाएंगे। रुको बेटा, तुम्हें अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, इसीलिए तो इसे प्रेस कर रही हूँ। बस 2 मिनट रुको। माँ, भूख लगे तो वहाँ खाने के लिए कुछ पैसे दे दो ना। माँ,
पैसे चाहिए तो मुझसे नहीं पापा से मांगो। मम्मी तुम्हारे पास पैसे है तो दो, हम पापा से नहीं मांगेंगे। ए चुप करो। ओहो लेट हो रहा है माँ, मुझे तो डर है कहीं बैठने के लिए जगह ही ना मिले। जगह नहीं मिले तो परवाह नहीं, खड़े खड़े ही उन्हें देख लेंगे। ठीक है माँ हम चलते हैं। चलते हैं माँ। ठीक है, संभल कर जाना, साथ में रहना। ए पापा से भी तो बोल कर जाओ। तुम ही बोलो ना। कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, फंक्शन के बाद घर आएंगे ना एक एक की खबर लूंगी। बच्चे हैं क्यों नाराज हो रही हो? ए उतर 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 उतर। ए अशोक कुमार आए क्या? अभी तक तो नहीं आए। अब तक नहीं आए, जाके बात कर। ठीक है मालिक, जल्दी जा। हमारे मालिक आए हैं। कौन मालिक? बासी सेठ जीप में बैठे हैं। ओह ये सूदखोर, क्या बात है। तुम लोग इजाजत दो तो वो अंदर जाएंगे और सुपरस्टार से सिर्फ चार बातें करेंगे। इनसे बात करके तो उनकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या? वो ये है कि हमारे मालिक सुपरस्टार के बाजू में बैठना चाहते हैं। उनकी गोद में बिठा दो, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से पागल खाने से भाग कर आए हैं। क्या कहा उन्होंने? बेइज्जती कर दी मालिक। क्या कहा? मैंने आपकी तारीफ की तो उसने कहा कि आप पागल खाने से भाग कर आए हैं। ए, पब्लिक के बीच तू और बेइज्जती मत कर। चल बैठे, जल्दी बैठ। चला रे। सुनिए जी, आपसे एक बात पूछूं क्या? क्या? तुम और वो सुपरस्टार बचपन में सच में दोस्त थे ना? मुझसे यह सवाल पूछकर आज तुमने मेरी ईमानदारी पे शक किया है। तुम पर कोई यकीन करे या ना करे, मैं यकीन करती हूँ। एक एक्टर को मैं जिस तरह से पसंद करती हूँ, उसी तरह एक इंसान की इंसानियत को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। उनकी फिल्म देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, इसीलिए उनके बारे में जानने की कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है। भले ही हम उनसे नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे ये सोचकर बड़ा दुख होता है। वो यहाँ हमारे गांव में आए और कल चले भी जाएंगे, पता नहीं फिर कभी ये मौका मिलेगा या नहीं। बच्चों के साथ जाने का मेरा भी बड़ा मन कर रहा था, लेकिन आपको अकेले नहीं छोड़ पाई। क्या मतलब? आप और बच्चों के साथ फंक्शन में जाकर दूर से ही उन्हें देखने का दिल कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई आपका मजाक न उड़ा दे यही सोचकर नहीं गई। क्या तुम्हें उसे देखना है? जाओ जल्दी तैयार होकर आ जाओ। आप सच कह रहे हैं? तुम्हारा कम से कम ये सपना तो पूरा कर दूं। हे भगवान। फोन आया है कि अशोक कुमार गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। ऐसा क्या? फूलों की हार और आरती की थाली तैयार रखो। सुनो बच्चों, कोई भी किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करेगा। फोटो खींचना है, ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। हमारे स्कूल का नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? ओह माय गॉड, अब इसका क्या करूं? सर, पारस सर, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे वो एक्टर आ रहा है ना, तो उसके लिए मैं बुके लेने गया था। उन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। तो मैंने सोचा चलो उसको एक बुके दे देते हैं। मैं अगर उन्हें ये बुके दूंगा तो उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी ना, इसलिए दे रहा हूँ। यार जितने भी हैं सबसे हैंडसम तो आप ही है। ऐसा लेकिन क्या सर, थोड़ी मेकअप कर लोगे तो और चमक जाओगे। अरे वो कभी भी आ सकते हैं, मेकअप का टाइम कहाँ है? हमने मेकअप रूम बनाया ना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वेरी गुड। आइए सर, यहाँ पर इस तरफ। ये मेकअप रूम नहीं है, लॉकअप रूम है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सपना है या हकीकत। हमारे छोटे से गांव में इतना छोटा सा स्कूल है, उसमें इतने बड़े कलाकार आए हैं, इनका स्वागत कीजिए। यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब की आंखों में इनका निभाया हुआ हर पात्र इन्हें देखते ही जिंदा हो जाता है। इनका बोलना, इनका चलना और आंखों में चमकती हुई ज्वाला तारीफ के काबिल है। इतना ही नहीं, ये अगर खामोश भी रहें तब भी सबका दिल जीत लेते हैं। भले ही इनकी अदाओं को और लोगों ने पर्दों पर देखा होगा, लेकिन आज हमें इन्हें सामने से देखने का मौका मिल रहा है।
आज पूरे भारतवर्ष में इनकी बड़ी इज्जत है। वही इस बात का सबूत है कि ये कितने बड़े कलाकार हैं। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में इज्जत कमाई है। अब मैं इनसे दरखास्त करूंगी कि वो दो शब्द यहाँ आकर कहें। मैडम जी के साथियों, प्यारे बच्चों यानी देश के भविष्य, नौजवानों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों यानी देश के सभी भारतवासियों को ये अशोक कुमार दिल से प्रणाम करता है। आप सब लोगों को यहाँ पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। मैडम जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्कूल में आऊंगा और आपके सामने दो शब्द कहूंगा, मैंने सोचा भी नहीं था। आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों से मिलने यहाँ आया हूँ। आज तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो मेरा अपना लिखा हुआ या किसी और का लिखा हुआ नहीं है, उसे लिखने वाला ऊपर बैठा हुआ है। जब मैं आपके गांव में शूटिंग कर रहा था तो आप लोग उसे देख नहीं पाए, उसके लिए मैं प्रोड्यूसर और यूनिट की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। सर ऐसा मत बोलिए, सर ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। आप लोगों से मुझे प्यार है इसलिए मैंने कमांडोज को भेज दिया। हो सकता है उनके जाने से मेरी सुरक्षा में कमी आए, लेकिन आप लोगों के बीच आप लोग मेरी हिफाजत करेंगे इसका मुझे पूरा यकीन है। मैं आप लोगों को पब्लिक के रूप में नहीं देख रहा हूँ, अपने लोगों के रूप में देख रहा हूँ, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में और बच्चों के रूप में देख रहा हूँ। देश का सर ऊंचा करने वाले सिपाही के रूप में देख रहा हूँ। मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन सबसे बढ़कर मैं जिन लोगों की इज्जत करता हूँ और जो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है वो ये टीचर है। ये शख्स वो लोग हैं जो एक ही जगह पर खड़े रहकर हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। हम चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, इन्हें नहीं भूलना चाहिए। दुनिया को मुट्ठी में करने वाले बिल गेट्स को आप सभी जानते हैं, लेकिन उनके पापा सुनार थे ये बात कौन कौन जानता है। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हो उसका फैसला तुम्हें यही करना होगा। इस समय आपके बगल में जो स्टूडेंट बैठा है उसकी यूनिफॉर्म फटी हो तो ये सोचकर उसे अवॉइड मत करना, क्योंकि हो सकता है बेचारे के पास कोई दूसरा साधन न हो। वो आगे जाकर अपनी जिंदगी में क्या करेगा इसका अंदाजा आज हम नहीं लगा सकते। हो सकता है वो खुद को साबित करके कल हमसे भी बड़ा बन जाए। ये सारी बातें कहते हुए मुझे अपने बचपन की याद आती है। आज आप लोगों के पास अच्छी अच्छी ड्रेस है, अच्छा खाना है और नई नई किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था वो अशोक कुमार आपके सामने इस रूप में खड़ा हुआ है। तब मैं सिर्फ अशोक कुमार था, एक मामूली मजदूरी करने वाले राजकुमार का बेटा अशोक कुमार, जिसकी ड्रेस खरीदने की हैसियत नहीं थी। बिना चप्पल के नंगे पैर फटी हुई हाफ पैंट पहनकर गंदी हालत में स्कूल जाता था वो अशोक कुमार। मैं बारिश में भीगते हुए केले के पत्ते से अपने सर को बचाते हुए अशोक कुमार नाम का जो बच्चा स्कूल जाता था वो अशोक कुमार मैं हूं। हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में किसी न किसी एक इंसान की जरूरत होती है। वैसे ही मुझे भी एक सहारा मिला, शिव के वरदान की तरह वो मेरी जिंदगी में आया। जिस अशोक के पास कुछ भी नहीं था उसे कुछ बनाने के लिए जुनून से भरा हुआ एक सपना लेकर मुझे यहां पहुंचाने वाला सबसे प्यारा दोस्त बालकृष्ण। मेरी जान से प्यारा दोस्त बालू, मेरा प्यारा बालू, दोपहर को खाने के समय मुझे सिर्फ पानी पीता देखकर अपने टिफिन से खाना खिलाने वाला दोस्त बालू, वो अपने पिता की जेब से पैसे निकालता और हम दोनों ट्विन टॉकीज में जाकर बहुत सारी फिल्में देखा करते। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में देखी हैं सब उसी के पैसे से। उसे पता था कि मुझे मिठाई और चने बहुत पसंद है, तो अपना पेट काट कर वो हमेशा मेरी ख्वाहिश पूरी करता था। उसका सपना था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। जब उसके पापा नहीं होते तो मुझे अपनी दुकान में बैठा कर मेरे बाल काट कर मुझे हीरो बनाने की कोशिश करता। मेरे अंदर कोई कलाकार छुपा हुआ है ये बात सबसे पहले उसी ने मुझे बताई।
फिल्मी दुनिया का सपना मैंने उसी की आंखों से देखा। उसी ने मेरे अंदर फिल्मों में काम करने का जुनून पैदा किया। जब मैंने 10वीं क्लास पास की थी, आगे बढ़ने की हैसियत नहीं थी क्योंकि पैसे नहीं थे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तब मुझे बालू ने कहा, ए जा तू एक्टर बन जा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तब मैंने कहा, एक्टर नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तब उसने कहा, ए तूने स्कूल के कुरुक्षेत्र ड्रामे में दुर्योधन का कैरेक्टर किया था ना, तब हम लोगों ने ताली बजाई थी ना, तब सिर्फ तेरी एक्टिंग देखकर ताली नहीं बजाई, तेरी स्टाइल देखकर ताली बजाई। तुझमें कुछ अलग बात है यार, जा तू एक्टर बन जा। और ये बात कहकर उसने अपने कान की बाली निकाली, उसे बेचकर मुझे मद्रास भेज दिया। जुदा होते समय मैंने उससे पूछा था कि हम दोबारा कब मिलेंगे। जो जवाब दिया वो आज भी मेरे दिमाग में है। हम चाहे एक दूसरे से मिले या ना मिले अशोक, लेकिन जब तू बड़ा आदमी बन जाए और अपना एक मुकाम बना ले, तब आकर अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तब मुझे जरूर याद कर लेना, मेरे लिए इतना काफी होगा। उसके दिए हुए पैसे लेकर एक्टर बनने के लिए निकल पड़ा अशोक। आज आपके सामने हीरो अशोक कुमार बनकर खड़ा है। आज मैं यहां हूं, लेकिन पता नहीं मेरा दोस्त बालू कहां होगा। पता नहीं आज वो कहां होगा। I'm sorry. एक हादसे की वजह से जो बालकृष्ण गांव छोड़कर चला गया था, दोबारा लौटकर कभी नहीं आया। गरीब को इस मुकाम पर पहुंचाकर कुबेर बनाने वाला कृष्ण मेरा बालकृष्ण है, वो आज भी मेरी सांसों में बसता है। आज मैं उसका दोस्त, इतने अच्छे मुकाम पर होने के बावजूद उसके लिए कुछ न कर पाने का दर्द हर पल अपने सीने में लिए जीता हूं। लोग कहते हैं माता पिता और गुरु भगवान का स्वरूप है, पता नहीं वो दोस्त को क्यों भूल जाते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, माता पिता गुरु और सच्चा दोस्त, इनके बाद आता है भगवान। दुनिया में कहीं भी रहे, मेरा दोस्त सुखी रहे। जय हिंद। I'm sorry, sir. मैं आज तक किसी को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन आज उस इंसान ने सच में मुझे अपना फैन बना लिया। सुनिए जी, अब बस भी कीजिए। कभी हंसकर बोलते थे, कभी लड़ते झगड़ते थे, पर आंखों में आंसू नहीं देख पाते थे। लेकिन आज वो मेरे लिए रो पड़ा। छोटी से छोटी बात, सारी बातें याद है उन्हें। उन्हें तो बचपन के सारे पल याद हैं। वो तो आपको कभी भूले ही नहीं। उसे मैं जानता हूँ, यही कहना मेरे लिए मुसीबत का पहाड़ बन गया। अगर सब कुछ पता थे तो सोचो क्या होता। चोट लगी है क्या? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? नहीं माँ, सुपरस्टार ने जब पापा के बारे में कहा तो रोना आ गया। हमें भी रोना आ गया था। तुम वहाँ आई थी क्या माँ? मैं अकेली ही नहीं, पापा भी वहाँ आए थे। पापा भी? पापा पापा हमें माफ कर दो पापा। सॉरी पापा। कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र का होता तो मैं भी यही करता। पापा हमें आप पर बहुत फक्र है पापा। सॉरी पापा। पापा आप वहाँ आकर उनसे मिले बिना क्यों आ गए? क्या है कि Thank you.
बालू, बाल कृष्ण। क्या यार सुना, जो कुछ भी तुमने स्कूल में कहा मैंने कोने में खड़े होकर सुना। कोने में खड़े होकर? जब कोई इंसान बड़ा हो जाता है तो अपनी पुरानी बातें भूल जाता है, लेकिन तुम्हें हर एक बात याद है। शायद इसीलिए आज तुम इतने बड़े मकाम पर हो। तुम्हारा पता लगाना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मेरा पता तो तुम बड़ी आसानी से लगा सकते थे। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक आ गया, लेकिन तुम नहीं आए। क्यों यार, तुम्हें एक बार भी मुझसे मिलने की इच्छा नहीं हुई? तुम तो सब कुछ जानते हो, देवी से शादी करने के लिए मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में वक्त गुजर गया, तू बहुत दूर जा चुका था और सुपरस्टार बन चुका था। मिलने की बड़ी इच्छा होती, पर अपनी हालत देखकर मेरे कदम वहीं रुक जाते। हमेशा डर लगता कि कहीं पहचानने से मना ना करते, इसलिए मैंने ये बात अपने दिल में हमेशा दबा कर रखी। घबराता था मुझसे मिलकर तुम्हें अफसोस ना हो। अफसोस ना हो? पागल कहीं का। तुम देवी हो ना? मेरे दोस्त बालू के बच्चे। सो स्वीट। तुम लोगों का नाम क्या? कमला, गीता, अशोक कुमार। अंकल, बुरा ना माने तो एक फोटो खींच सकती हूँ मैं? फोटो? अरे तुम लोग अब मेरे साथ ही रहोगे? हाँ। नहीं। क्या यार, मैं जानता हूँ कि तू बहुत खुददार है और इसीलिए मेरा एहसान भी नहीं लेगा, लेकिन मेरी दौलत संभालने वाला मेरा कोई वारिस नहीं है बाला। मैं यहाँ से सीधा गांव जा रहा हूँ, वहां अच्छा सा घर खरीद कर तुम लोगों को वहां बुला लूंगा। सोच क्या रहे हो, भूल गए क्या मेरा फेमस डायलॉग? मैंने जो एक बार कह दिया समझो सौ बार कह दिया। मेरे लिए खुशी का खजाना, मेरे बचपन का साथी आपके सामने खड़ा है, आपके गांव का बालू, मेरा जान से प्यारा दोस्त। अरे क्या हुआ जी? अब सर, हाँ। अशोक जी तो जा रहे हैं, आपने मुझे उनके साथ फोटो नहीं निकालने दिया। अब अशोक जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अशोक, अशोक रुक जा। सच्चे दोस्त का सहारा ईश्वर का वरदान होता है।